तो यार तुम लोग के रिक्वेस्ट पे कि हेड के वजह से परेशानी हो रही है पढ़ने में, मैंने जितने भी चैप्टर मैंने फर्स्ट फ्लाइट के अंदर में बनाया है वो सारे कंपाइल करके इस वीडियो में डाल दिया है। एंजॉय करो और कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। मिलते हैं एग्जाम के बाद। अच्छा जस्ट इमेजिन करो कि तुम किसी के साथ डेट पे आए हो और तुम उसे प्रपोज करने वाले हो अभी, बट अब तुम दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि अब प्रपोज तो दूर की बात है भाई, अब एक दूसरे को मारने मंडे पे तुले आए हो। बुरा सपना है राइट, डर लगता है सुन के ही। आज ऐसे ही एक प्ले के बारे में बात करेंगे, द प्रपोजल क्लास 10 इंग्लिश का। बट उससे पहले मैं हूँ तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी, निकल चुका हूँ एक स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ें करने का जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम्हें मरते दम तक ये स्टोरी याद रहे। सब चीज़ें रहेगा फीलिंग्स के ऊपर भाई, और इसके बदले मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस तुम लोगों का कुछ कीमती समय और बहुत ज़्यादा प्यार। बहुत है यार। प्ले के खत्म होने के बाद हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस का जो बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, वो थोड़ा खास रहेगा, स्पेशल रहेगा, तो आखिर में देखेंगे। बट अभी के लिए हम बढ़ते हैं इस जर्नी में स्टोरी टेलिंग के। लेट्स स्टार्ट यार। रोज हम कई सारी चीजें देखते हैं बट उनमें से कुछ ही हमें याद रहता है, और खास करके स्टोरीज के अंदर ना, अगर तुम कैरेक्टर्स को रिलेट करके चलो स्टोरी के साथ तभी वो चीजें तुम्हें याद रहेगा, वरना चीजें तो हम बहुत सारे याद करते हैं बट भूल जाते हैं समय के साथ। तो पहले आओ देखते हैं कि इस प्ले के अंदर में कौन कौन से कैरेक्टर है और उनका क्या रोल है इस प्ले के अंदर में। देखो प्ले का नाम से शुरू करते हैं, द प्रपोजल, जिसे ओरिजिनली द मैरिज प्रपोजल कहते हैं, लिखा था एंटोन चेकोव ने। मुझे पता है तुम नाम से घबरा गए हो, क्या करे यार, ये रशियन लोग और रशियन नाम दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कैसे रख लेते ये सब नाम, मैं तो अपने दुश्मन के बेटे का नाम भी ऐसा ना रखूं। बट क्या करें, अब जो है तो है। इस प्ले के अंदर में 3 कैरेक्टर्स है। पहला है स्टीफन चुबुको, जो कि एक बहुत ही अमीर लैंडलॉर्ड है, यानी कि जमींदार कह सकते हो। उनका एक बेटी है जिनका नाम नतालिया स्टेफेनोवा है, और आखिर में एक बहुत ही खास और स्पेशल कैरेक्टर इवेन लोमोव। इन तीनों में एक खास और कॉमन चीज ये है, आपस में यार लड़ने मरने में तैयार रहते। लाइक तुम्हारा कोई दोस्त होता होगा ऐसा, मेरा तो है कि यार अगर उसे कोई बात सही लगता है ना, उसका बात पे वो अड़ जाता है, और मतलब भाई साहब वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू ना हो जाए। अरे बेबी तुझे पता है मोदी जी ना चाय नहीं कॉफी बेचा करते थे। क्या पागलों जैसा बातें कर रहे तू। अरे यार सच में मैंने देखा है उन्हें कॉफी बेचते हुए। मतलब कुछ भी बोल रहा है ना तू, कुछ भी बोल रहा है। अरे मम्मी कसम बीबी, मैंने उन्हें कॉफी बेचते हुए मेरी आंखों से देखा है। हाँ हाँ तूने उन्हें कॉफी बेचते हुए आंखों से देखा है, क्योंकि तू तो 80 साल का है। तो ठीक है यार, मैं भी गांधी जी के साथ बिरयानी खा रहा था एक दिन। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ऐसा ही कुछ स्टोरी में तुम इन तीनों का रवैया देखोगे अपने बात को प्रूव करने के लिए कि वो सही है। मतलब किसी भी हद तक जा सकते ये लोग। हमारे कहानी का शुरुआत तब होता है जब हमारे अंकल जी थे ना, ये यार घर में बैठे हुए थे बिंदास, अचानक से दरवाजे पे कोई आता है, खटखटाता है। अब गेस व्हाट, कौन आया होगा? भाई हमारा इवान लोमोव, अभी से मैं इसको इवान कहूंगा, कहने में आसान रहता है, तुम लोमोव भी कह सकते हो। भाई हमारा इवान एकदम फुल गेटअप पे, शूट बूट जैकेट पहने हुए, हाथ पे सफेद ग्लोव्स लगाए हुए, मतलब कहाँ ही निकल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारे अंकल चुबुको को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि बेटा क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, बड़े दिनों बाद दिखाई हुआ तुम्हारा, कैसे हो तुम? अंकल मैं तो ठीक ही हूँ। और कैसे आना हुआ यार, कहीं जा रहे हो क्या तुम पार्टी वार्टी पे? नहीं अंकल मैं तो आपसे ही मिलने आया था। अच्छा अच्छा मुझसे मिलने आए थे, आओ आओ बैठो आके। तो बेटा कहाँ जाने का इरादा लेके आए हो पूरे सूट बूट में? और अंकल को तो यार तुम भूल ही गए, आजकल तो इधर आते ही नहीं हो, ऐसे भूला नहीं करते अपने पड़ोसियों को। नहीं नहीं अंकल मैं तो आपके पास ही आ रहा था। मेरे पास क्यों? थोड़ा एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ, बट मुझे कुछ मांगना था आपसे। एक मिनट रुको, ये मुझसे कुछ मांगने आया है, इसका मतलब शायद ये कुछ उधार ही मांगेगा मुझसे। नहीं यार मैं इसे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, आजकल के लोग पता नहीं क्यों कहीं भी हाथ फैला देते हैं। नहीं यार मैं तो इसे 1 रुपया नहीं दूंगा। हाँ तो बेटा तुम क्या मांगने आए हो बताओ मुझे। अंकल मैं कैसे बताऊँ, समझ नहीं आ रहा, मैं कह नहीं पा रहा ठीक से, बट कह ही देता हूँ, मैं आपकी लड़की का हाथ मांगने आया हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। एक मिनट रुको, ये चल क्या रहा है यहाँ पे? ये बंदा 35 ईयर्स ओल्ड बुड्ढा है और ये हाथ मांगने आया है इसकी बेटी का जो कि 25 साल की है। यार नहीं नहीं ये अन्याय होते हुए मैं नहीं देख सकता। अंकल आप
हाँ मत करना, बता रहा हूँ मैं हूँ ना, 2 साल में तो मैं 25 का हो जाऊँगा, मैं शादी कर लूँगा आपकी बेटी से। गवर्नमेंट जॉब नहीं है मेरे पास, बट बाप का बहुत ज़्यादा ज़मीन है, बेच के कुछ ना कुछ तो कर ही दूंगा, मतलब खेत में बहुत है अपने ज़मीन, आप चिंता मत करना, ना कर दो, मैं बता रहा हूँ ना कर दो। अरे बेटा तुमने क्या बोला, फिर से बोलना ज़रा, मैंने सुना नहीं। अंकल मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, उसका हाथ मांगने आया हूँ आपसे। अरे इतनी खुशी वाली बात है बेटा, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ ये बात सुनने के बाद। हाँ सही में, तुम रुको मैं मेरी बेटी को बुला के लेके आता हूँ। अरे यार बुढ़े ने वो कर दिया जो मैं मना कर रहा था इसे कहने। मैं रह गया फिर सिंगल यार। चलो कोई नहीं, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा अंकल वो मान जाएगी ना, मतलब तैयार तो होगी ना मेरे साथ शादी करने के लिए? हाँ हाँ बेटा क्यों तैयार नहीं होगी, तुम चिंता मत करो, वो जरूर तैयार होगी, अगर ना भी कहे ना फिर भी समझ लेना कि वो हाँ ही कह रही है। भाई मैं जा रहा हूँ, मैं और नहीं सुना रहा स्टोरी भाई, और मैं नहीं देख सकता ये सारी चीज़ें, मुझसे नहीं होगा भाई, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ये गलत हो रहा है, मैं बता रहा हूँ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। मैं जा रहा हूँ। अरे कोई नहीं बीबी, बंदी नहीं मिल रही तो क्या हुआ, हम तो है ना, हम सब मिलके तुम्हारा 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर देंगे। और हाँ इतना अच्छा स्टोरी टेलिंग तो कर रहे थे, आओ जल्दी कंटिन्यू करो इसे। सही में 1 मिलियन? ठीक है फिर डील रहा, 2 महीने में तुम 1 मिलियन कर दोगे मेरा। हाँ तो हम कहाँ थे, अंकल जा रहे थे अपने बेटी को बुलाने के लिए और इवान से मिलाने के लिए, और हमारा इवान बैठे बैठे ये चीज़ें सोच रहा था जो चीज़ एक लड़की को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, अपने आप को अपनी बंदी से कंपैरिजन कर रहा था वो, लाइक उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था, यार मेरा तो पूरा बदन वदन कांपने लगा है, यहाँ तो कोई एग्जाम नहीं चल रहा है फिर भी मैं इतना घबरा क्यों रहा हूँ, बट मैं चाहे जितना भी घबरा हूँ मैंने अपना मन बना लिया है, और मुझे ऐसा सिंगल नहीं जीना, ये ट्रू लव सच्चा प्यार के चक्कर में मैं अपना आधा ज़िंदगी गंवा चुका हूँ और आधा नहीं गंवाना चाहता। वैसे भी नतालिया अच्छी लड़की है, ठीक ठाक घर संभाल लेती है, उतनी बुरी भी नहीं दिखती, और पढ़ी लिखी तो है ही है, और क्या चाहिए मुझे। और दूसरी तरफ मैं हूँ 35 years old, दिल की बीमारी से जूझ रहा हूँ, बात बात में एक्साइटेड हो जाता हूँ, कांपने लगता हूँ, और मेरी सोने की बीमारी है, जब सोने जाता हूँ तो आधा वजन मेरा खींचने लगता है, लाइक मेरे सर और मेरा शोल्डर ये तो जैसे काम ही नहीं कर रहा होता है, और अचानक से घबरा के मैं आधी रात बिस्तर से उठ जाता हूँ, और मैं ऐसे दोबारा सोने की कोशिश करता हूँ, और मेरे साथ दोबारा ऐसा होता है, और लगभग ऐसा मेरे साथ एक दिन में 20 बार तक होता है। अब इस बीच जब वो अपने आप को कंपैरिजन कर रहा होता है अपने बंदी के साथ, उसकी बंदी नटालिया उसके सामने आ जाती है अचानक से। अरे इवान तुम, मेरे पापा ने तो कहा था कोई व्यापारी आया है, तुम मेरे कपड़ों को इग्नोर करना, मैं किचन में मटर छील रही थी, वैसे तुम लंच करना चाहोगे? नहीं मैं करके आया हूँ। तो फिर सुट्टा वुट्टा भूखना चाहोगे? वैसे तुम आज इतना ड्रेसअप होके कहाँ जा रहे हो, कहीं पार्टी वार्टी में जा रहे हो क्या? वैसे अच्छे दिख रहे हो आज तुम इवान। अब जहाँ एक तरफ नटालिया एक के बाद एक सवाल दाग रही थी, हमारा भाई इवान इस चीज़ से घबरा रहा था कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ, बट आखिर में उसने थोड़ा बहुत हिचकिचाते हुए कह ही दिया, मैंने अपना मन बना लिया है नटालिया, मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम शायद मुझ पर गुस्सा भी हो जाओ इस चीज़ के लिए, बट ये कहना ज़रूरी है, मैंने तुम्हें बचपन से ही देखा है, तुम्हारे फैमिली को मैंने अच्छी तरीके से जाना है समझा है, और मेरा ये जो ज़मीन है वो मिला है मुझे मेरे आंटी और उसके हस्बैंड से, और मेरी आंटी और हस्बैंड तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पापा की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। भाई तुमने सुना यह बात, इस बंदे के आंटी ने उसे ज़मीन गिफ्ट किया, भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे आंटियाँ तो भाई 100 रुपया निकालने के लिए भी 10 बार सोचते हैं, भाई ऐसा आंटी तो हम भी डिज़र्व करते हैं। नहीं खैर तुम ये बात याद रखना कि इवान का जो ज़मीन है उसे उसके आंटी ने गिफ्ट किया था, आगे काम आएगा, हम बढ़ते स्टोरी में आगे। तुम तो जानते ही हो नटारिया, हमारे फैमिलीज लुमोप्स एंड चुबुकोप्स लंबे समय से दोस्त और बहुत ही अच्छा प्यारे भरे रिलेशनशिप में है, और तुम्हें तो पता ही है ना नटालिया हमारा ज़मीन भी बहुत ही आसपास है, मेरा जो ऑक्सीजन मिडोस है वो तुम्हारे ब्रिजवुड को टच करता है। एक मिनट रुक जाओ, ये ऑक्सीजन मिडोस ब्रिजवुड क्या ही है? ऑक्सीजन मिडोस को तुम कह सकते हो एक खेत होगा जहाँ ग्रासेस है, जहाँ गाय बकरियाँ चरते हैं, समझ रहे हो तुम, और ब्रिजवुड का मतलब है भाई एक तरीके का जंगल है रशिया के अंदर में, जहाँ लंबे लंबे पेड़ लाइक दिस होते हैं, ठीक है,
अब देखो इस पॉइंट पे आने के बाद ये कन्वर्सेशन आर्गुमेंट का रूप ले लेता है। ये लड़ाई शुरू होता है ऑक्शन मीडोस को लेके। नटालिया का मानना था कि ये जो ऑक्शन मीडोस है वो उसके है, उसके फैमिली के है, और वहीं पे दूसरी तरफ इवान का मानना था कि ये ऑक्शन मीडोस उसके है, उसके फैमिली के है। दोनों अपना अपना आर्गुमेंट रखते और एक लंबा झगड़ा शुरू होता है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या आर्गुमेंट क्या क्या था, स्पेशली तुम याद रखना कि इवान ने क्या कहा था। देखो इवान का कहना यह था कि ये जो ऑक्शन मीडोस है ये उसके आंटी के ग्रैंड मदर ने नटालिया के पापा के ग्रैंडफादर के लेवर्स को दिया था ताकि वो उसके बदले उन्हें ईटे बना के दे। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ तुम कंफ्यूज हो गए राइट, एक मिनट पॉज करो और मैं क्या कह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। आगे मैं बताऊंगा कि सेंटेंस का मतलब क्या है, कई बार ये चीज रिपीट होगा, बट अभी तुम सोचो, अपने दिमाग लगाओ। अब इसके बदले में नटालिया का आर्गुमेंट कुछ इस तरीके से है। नहीं इवान, हमारे दादाजी और उनके दादाजी ने मिलकर हमारा जमीन का हिसाब किताब करा हुआ है, और मुझे जितना पता है ये ऑक्शन मीडोस हमारा है। नहीं ये ऑक्शन मीडोस मेरे है, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ। तुम मजाक कर रहे हो, 300 सालों से ये जमीन हमारा है और तुम अब अचानक से आके ये बोल रहे हो कि ऑक्शन मीडोस हमारा नहीं है। और सुन लो तुम अच्छी तरह से, ये ऑक्शन मीडोस मेरे लिए मायने नहीं रखता, ये तो बस 300 रूबल्स का है। जो चीज मायने रखता है वो है, तुम गलत कर रहे हो और मैं ये होने नहीं दूंगी। नहीं नटालिया, मैं कह रहा हूँ तुम्हें, ये जमीन मेरे आंटी के ग्रैंड मदर ने तुम्हारे पापा के ग्रैंड फादर के किसानों को दिया था जिसके बदले में वो उन्हें ईटा बना के देते थे। तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने बोला ना ये ऑक्शन मीडोस हमारा है, चाहे तुम 2 दिनों तक ऐसे ही चिल्लाते रहो या 15 ऐसे जैकेट्स पहन के आओ, मैं नहीं मानने वाली। ये ऑक्शन मीडोस हमारा है, हमारा है और हमारा ही रहेगा। नहीं नहीं अच्छा यहाँ हो क्या रहा है तुम मुझे बता सकते हो? ये बंदा यहाँ पे इसे प्रपोज करने के लिए आया था ना, और यहाँ कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहा है। मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये बंदा 35 होने के बावजूद भी सिंगल क्यों है। भाई तो सिंगल ही मरेगा अगर ऐसा बिहेवियर रहा तो तेरा, बात बात में खुशन बुड्ढे की तरह लड़ना झगड़ना, भाई ये तो भाई एक ही निशानी है। रंडवा जी, श्रीमान आप रंडवे समझ दे भाई, तू सुधर ले। अब देखो यार होना क्या था, भाई ने अब इतना आर्गुमेंट को भरा दिया था कि नटालिया का तो दिल टूट चुका था और आर्गुमेंट एकदम अलग ही लेवल पे पहुंच चुका था। और इसी बीच आता है नटालिया का बाप और कहता है ये हो क्या रहा यहाँ, तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो ऐसे? पापा आप ही बताओ ये ऑक्शन मीडोस हमारा है या इसका है? देखो बेटा सच बात तो यह है कि ये ऑक्शन मीडोस हमारा है। नहीं अंकल आप गलत कह रहे हैं, ये ऑक्शन मीडोस मेरे है, मेरे आंटी के ग्रैंड मदर ने ये ऑक्शन मीडोस आपके ग्रैंडफादर के पीजन्स को दिया था सिर्फ और सिर्फ 40 सालों के लिए। आप लोगों ने इसे 40 साल इस्तेमाल करने के बाद अपना ही मान लिया। एक्सक्यूज मी बेटा, उस समय यह तय नहीं हुआ था कि ये जमीन तुम्हारे आंटी के दादी का था या हमारा था। उस समय ये जमीन डिस्प्यूटेड था, इसलिए तो किसानों ने तुम्हारे आंटी के दादी को 1 रुपया तक नहीं दिया था। अब देखो ये बंदा ना पूरा ही पागल है। पहले इसने नटालिया के साथ आर्गुमेंट किया, अब उसके बाप के साथ शुरू हो गया। लिटरली ये आर्गुमेंट बहुत आगे बढ़ चुका था और एक समय में आने के बाद अंकल इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए और उन्होंने कह दिया देखो बेटा अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ आर्गू करते रहोगे तो ये ज़मीन मैं तुम्हें तो नहीं दूंगा बट किसानों को दे दूंगा। आप ये कैसे कह सकते हैं, ये ज़मीन मेरा है और आप मेरे ज़मीन को किसी दूसरे को कैसे दे सकते हो? अब देखो यहाँ पे थोड़ा हमारे इवान भाई साहब जो थे उन्होंने चिल्ला के बात कर दिया था, और जिस बात से हमारे अंकल जो थे चुप को उन्हें आ गया गुस्सा और उन्होंने कह दिया साफ साफ तुम इस तरीके से चिल्ला के मुझसे बात नहीं कर सकते इवान, मैं तुमसे 2 गुना ज़्यादा बड़ा हूँ, मुझसे अच्छी तरीके से कायदे में बात करो। अच्छा अच्छा अच्छा, आप मेरा ज़मीन पे कब्जा कर लोगे और उसके बाद ये उम्मीद करोगे मुझसे कि मैं आपसे अच्छी तरीके से शांत आवाज़ में बात करूँ, हाँ ये एक्सपेक्ट करोगे आप मुझसे? सुनिए मैं बता रहा हूँ, आप एक लैंड ग्रैबर हो, आपने मेरा ज़मीन हथियाया है, आप एक कब्जा खोर हो। क्या 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 कहा इसने, इसने अभी क्या कहा? पापा आप जल्दी घास काटने वाली मशीन को ऑक्शन मीडोस में भेजो, वो जमीन हमारी है। ये मैं होने नहीं दूंगा, मैं इस बात के लिए कोर्ट तक जाऊंगा, मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही सकता। तुम तो चाहते ही ये थे कि कोर्ट तक लेके जाओ, 2 कौड़ी के वकील तुम चाहते थे ना ये चीज हो, तो चलो यही सही। तुम और तुम्हारा खानदान सबके सब एक जैसे हो, पूरे खानदान में सबके सब पागल भरे हुए है। ये आप गलत कर रहे हैं, फैमिली पे मत जाइए। क्यों ना जाओ तुम्हारे फैमिली पे, तुम्हारा बाप एक नशेरी था, तुम्हारी छोटी आंटी भाग गई थी एक आर्किटेक्ट के साथ, आपकी माना एक हम्पबैक थी। अब जिन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि हम्पबैक क्या है, मैं बता दूं तुम्हें, तुम्हारा जो बैक है ना वो अगर ऊपर की तरफ उठ जाए ना ऐसे ऊँट की तरह, लाइक जब हमारा उम्र होता है ना तो ऐसा हो जाता है कई लोगों के साथ, तो उसे कहते हैं हम्पबैक। तुम्हारा बाप एक नंबर का एक सट्टेबाज था। तुम्हारी आंटी दुनिया की सबसे बड़ी चुगलखोर औरत है।
देखो यार, एक कन्वर्सेशन के बीच सबसे गंदा पॉइंट तब आता है जब हम एक दूसरे के फैमिलीज के ऊपर उल्टा सीधा कहने लगते हैं, और अब यहाँ पे यही हो रहा था। एक तरफ हमारे चुबुकोप अंकल ने इवान के पापा को, इवान की आंटी को भी बहुत ज़्यादा चीज़ कह दिया था, और दूसरी तरफ इवान भी कम नहीं था, उसने भी कई सारी चीज़ें बोल दिया ऐसा जो कि उसे नहीं बोलना चाहिए था। अभी कन्वर्सेशन बहुत ही गर्मा गर्मी में पहुँच चुका था। अब अचानक से ही इवान का जो तबीयत है वो थोड़ा बिगड़ जाता है, और इतना सारा बेइज्जती झेलने के बाद अब उसके अंदर में और कोई उम्मीद बची नहीं थी कि अब प्रपोज करूँ। नहीं यार, वो सीधा चला गया वहाँ से। इवान के घर से चले जाने के बाद भी चुबुकोप और उसकी बेटी रुकी नहीं थी गाली देने से हमारे इवान भाई को। अजीब है फैमिली। बट अचानक से हमारे चुबुकोप अंकल के मुंह से निकल गया, ये भद्दा इंसान आया था मेरे बेटी को प्रपोज करने के लिए। अच्छा ही हुआ ये चला गया। अब ये बात जैसे नतालिया ने सुना तो उसे बुरा लगा। वो सोच रहा था, अरे ये तो मुझे प्रपोज करने आया था शादी के लिए और मैंने ये क्या कर दिया। वो अपने आप पे गिल्टी फील कर रहा था, और उसके पापा को कहा उसने कि जाइए और उसे बुला के लेके आइए। और उसका बाप भी लाइक, अभी तो तुमने कहा था इसे घर से बाहर निकाल दो, ये अच्छा नहीं है, अब कह रहे हो कि लेके आओ। अब बाप बेटी में एक छोटा सा आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। बाप कहता है कि नहीं तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, बेटी कहती है कि नहीं आपके वजह से ऐसा हुआ। बट जो भी हो, जाके उसे बुला के लेके आइए। एंड फाइनली अपने बेटी के सामने हार मानते हुए अंकल चुबुकोप जाके इवान को वापस बुला के लेके आता है और कहता है, अब तुम ही संभालो इसे, मैं पागल हो जाऊंगा इसके साथ बात करके, मैं जा रहा हूँ, अब तुम्हें बात कर लो इससे। अब जब इवान दोबारा घर में एंटर करता है, उसका तबीयत कुछ खास ठीक नहीं था, ऊपर से वो गुस्से में भी था, तो नेटालिया ने माहौल को संभालते हुए कहना शुरू कर दिया कि इवान, ये जो जमीन है ना, ये ऑक्सिन मिडोस तुम्हारे ही है, ठीक है, तुम ये बताओ मुझे कि कब चल रहे हो तुम शिकार पे। हाँ, मैं सोच रहा था कि फसल कटने के बाद ब्लैक कॉक का हंटिंग पे निकलूं। ब्लैक कॉक लिटरली? नहीं नहीं नहीं, देखो मैं नहीं सोच रहा, मैं उतना नहीं सोच रहा यार, जो तुम सोच रहे हो मैं वो नहीं सोच रहा, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ यार। ब्लैक कॉक का मतलब तो वही होता होगा मुर्गी, काला मुर्गी, जंगल में उसका हंटिंग करने जाता होगा। हाँ ऐसा ही कुछ हुआ होगा, नहीं और क्या ही मतलब हो सकता ब्लैक कॉक का, नहीं। यही तो हो सकता मतलब। खैर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा नटालिया, तुम्हें पता है कि मेरा जो डॉग है ना, जिसका नाम गैस है, ये बहुत ही एक अच्छा शिकारी कुत्ता है। इसके ऐसा तो कुत्ता मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। मैंने इसे 125 रूबल में खरीदा है, बट पता नहीं इसका पैर कैसे लंगड़ा सा हो गया। मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा महंगा है, क्योंकि मेरे पापा ने तो स्क्वीजर को बस 85 रूबल से खरीदा है, जो कि तुम्हारे गैस से तो बहुत ज्यादा बेटर है। तुम भूल रहे हो नटालिया, तुम्हारा डॉग एक ओवरशूट डॉग है। ऐसे कुत्ते हंटिंग के लिए तो बहुत ही बेकार है, क्योंकि उनका जबड़ा जो है नीचे वाला, वो बहुत ही छोटा होता है। ओवरशूट ये क्या होता है, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। एटलीस्ट मेरा डॉग अच्छे ब्रीड का है, तुम्हारे गैस की तरह बदसूरत और बूढ़ा तो नहीं है। माना वो थोड़ा बूढ़ा है, बट एटलीस्ट तुम्हारे कुत्ते से तो बहुत अच्छा है। तुम्हारे जैसा ना 5 कुत्ता भी आ जाए ना, फिर भी मैं अपने गैस को ही चुनूंगा। तुम्हारे जैसा कुत्ता तो हर किसी के पास है। 25 रूबल भी बहुत है इसके लिए, ठीक है। अब बाइकॉट देखो, फिर अब शुरू होता है कुत्ते को लेकर लड़ाई। लिटरली ये लोग इतना लड़ाई कर रहे हैं, देख रहे हो तुम। पहले लड़ाई करते जमीन जायदाद को लेके, फिर आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करने लगते, अब कुत्ते को लेकर लड़ाई। भाई साहब, अच्छा कुत्ते से याद आया, सोच रहा हूँ कि मैं भी एक कुत्ता ले ही लेता हूँ। मम्मी हम भी एक कुत्ता ले ही ले क्या? 2 कुत्ते के घर में कोई जरूरत नहीं है बेटा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ एक तरफ नटालिया और हमारे इवान कुत्तों की तरह कुत्तों के लिए लड़ाई कर रहे थे। जो भी है, अब अंकल चुबुकोप आते और कहते हैं, क्या हुआ तुम लोगों को? पापा आज अब सच बता ही दीजिए, किसका डॉग सबसे ज्यादा बेटर है, मेरा स्क्वीजर या इसका गैस? अभी आप ही बताइए मिस्टर चुबुकोप, आपका डॉग ओवरशूट है या नहीं? मेरे डॉग का इससे कंपेरिजन कोई है नहीं, मेरा डॉग बेस्ट है। अच्छा बेटा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर मेरा डॉग ओवरशूट है? माना तुम्हारे डॉग के अंदर में कुछ अच्छी बातें हैं, बट तुम्हें पता है तुम्हारा डॉग बहुत बुरा हो चुका है, ऊपर से उसका मुंह बहुत ही छोटा है, वो भी हंटिंग के लिए कोई खास अच्छा डॉग नहीं है। अब इस बात के साथ क्या होना था, दोबारा लड़ाई स्टार्ट होता है। एक तरफ हमारे अंकल चुबुकोप और उनकी बेटी, और दूसरी तरफ हमारा इवान लुमोब। बट अब अचानक से इस कन्वर्सेशन के बीच इवान का तबीयत कुछ खासा बिगड़ जाता है, और जिस चेयर पे वो बैठा हुआ था वहाँ से गिर जाता है, और अब वो होश पे नहीं था।
नटालिया ने यह चीज देखते हुए पानी पिलाने का कोशिश किया, बट वो पानी भी नहीं पी रहा था। अब ये डर था कि कहीं इवान मर तो नहीं गया। हमारे चुपको अंकल का भी चेहरा डर से लाल, एक तरफ गुस्सा भी थे और घबराए हुए भी थे कि क्या ही हो गया ये बंदा मेरी बेटी के साथ शादी करने आया था और आज क्या हो गया ये। बट होपफुली अचानक से इवान उठ खड़ा होता है, होश आता है उसे, उसे आसपास तारे दिखने लगते हैं। मैं कहाँ हूँ, ये मुझे तारे क्यों दिख रहे हैं, ऐसे कुछ बातें कर रहा होता है। अब इस मौके का फायदा उठा के अंकल चुपकोब ने सीधा सीधा कह दिया कि बेटा उठो और शादी के लिए तैयार हो जाओ, मेरी बेटी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है और मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है, तो तुम दोनों किसी विशी कर लो। किसको किस करना है? अरे ठरकी, मुझे नहीं करना है, मेरी बेटी को करना है। साले तुम जिंदा हो? हाँ, मैं तुमसे करूंगी शादी। आज मेरे कंधों से बोझ हल्का हुआ आखिर। अब पर तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि हमारा स्क्वीजर तुम्हारे गैस से बेटर है। Well, एक नए फैमिली का शुरुआत तो ऐसा ही होता है, थोड़ा लड़ाई, थोड़ा झगड़ा और बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत। लेट्स सम शैंपेन। हाँ अंकल, मतलब शैंपेन वाली बात तो सही है कि आप देर हो मैं पी लेता हूँ, क्योंकि इंडिया में ऐसे भी काम मिलता है, बहुत महंगा है, हमें तो पौवा से काम चलाना होता है। बट ये जो बात कहा ना आपने, लड़ाई झगड़ा और प्यार, ऐसा नहीं होता किसी की फैमिली में, मैं बता रहा हूँ। बट चलिए ठीक है, शैंपेन शैंपेन। तो यार आज की कहानी तुम्हें और मुझे ये सिखा के जाएगा कि किस तरीके से हम अपने दुख और दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। ये कहानी है एक ऐसे दुख और दर्द से भरे हुए माँ की जिसने अपने बेटे को खो दिया था। ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बस एक सवाल के पीछे चल पड़ा था कि किस तरीके से हम अपने दुख और दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। ये कहानी है हमारे गौतम बुद्ध की, ये कहानी है समन एट बनारस की। बट इससे पहले मैं हूँ तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीबी, निकल चुका हूँ एक स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट वो चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। और तुम लोगों को तो पता ही है हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद है रादर देन द हार्ड वर्क। तो आओ करते हैं चैप्टर को डिकोड ऐसे जैसे हम वो लियोनार्डो दा विंची के पर पोते। तो यार हमारे कहानी का शुरुआत होता है गौतम बुद्ध के साथ। एग्जैक्टली बताओ तो हमारी कहानी का शुरुआत तब होता है जब हमारे गौतम बुद्ध बनने से पहले एक आम राजकुमार थे जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतमा। देखो इनके बारे में बचपन में एक बात प्रिडिक्ट कर दिया गया था, यानी कि भविष्यवाणी कर दिया गया था कि या तो हमारे सिद्धार्थ बहुत ही बड़े राजा बनेंगे या बहुत ही बड़े सन्यासी यानी मॉन्क बनेंगे। अब इस चीज से डरते हुए सिद्धार्थ के माता पिता ने उसे इस तरीके से पाल पोस के बड़ा किया कि उनके जीवन में ना कभी दुख दर्द और पीड़ा जैसी चीजें कभी नहीं आ पाया। मतलब यार ये जो वर्ड्स है ना, ये उनकी जिंदगी में दूर दूर तक नहीं था, ठीक है। कुछ इस तरीके से उन्हें पाल पोस के बड़ा किया। जब वो लगभग 12 साल के होते हैं तब उन्हें स्कूलिंग करने भेज दिया जाता है हिंदू स्क्रिप्चर्स को समझने और सीखने के लिए। और जब 4 साल बाद वो वापस लौटते हैं तब उनका शादी करा दिया जाता है एक राजकुमारी के साथ और एक बच्चा होता है फिर उनका। और 10 साल ऐसे ही वो बिताते हैं अपने राजमहल के अंदर अपना जिंदगी जो भी है। अरे भाई साहब, ऐसा जिंदगी तो हम भी डिजर्व करते हैं यार, 16 साल की उम्र पे शादी दे दिया गया इन्हें। अरे ओ गॉड। अरे मम्मी अगर तुम ये वीडियो देख रही हो ना तो यार अब लड़की उड़की देखना शुरू कर दो यार, अब तुम्हारे बेटे को भी सबसे पहले बनना अपने बेटे का बाप और फिर मैं भी बन जाऊंगा यार गौतम बुद्ध की तरह एक महान इंसान। बताओ इतना लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ। अरे कहाँ भटक गए हम, सॉरी यार मैं कहाँ भटक जाता हूँ, स्टोरी पे बढ़ते हैं। अब पूरे 10 साल बाद जब उनका उम्र होता है 25 साल तब वो पहली बार अपने महल से बाहर निकलते हैं शिकार पे। और यहाँ वो ऐसे ऐसे चीज़ें देखते हैं ना जिनके बाद उनका जिंदगी सही में बदलने वाला था, उनका सामना होने वाला था दुख दर्द और पीड़ा जैसी चीज़ों से। वो जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले देखते हैं एक बीमार इंसान को, और उनके लिए ये चीज़ पहली बार था जब उन्होंने पहली बार एक बीमार इंसान को देखा था। फिर जब वो ऐसे आगे बढ़ रहे होते हैं वो देखते हैं एक बुरे इंसान को, और ये भी उनके लिए पहली बार था जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक बुरे इंसान को देखा था। फिर जब वो ऐसे आगे बढ़ रहे होते हैं वो देखते हैं एक मरे हुए इंसान का अर्थी जो कि लोग लेके जा रहे होते अपने कंधों पे। अब ये भी उनके लिए पहली बार था जब उन्होंने देखा था एक मरे हुए इंसान को अर्थी पे लेके जाते हुए। अब फिर जब वो थोड़ा और आगे बढ़ते वो देखते एक सन्यासी यानी एक मॉन्क को जो लोगों से दान दक्षिणा मांग रहा था। अब ये सिद्धार्थ के लिए पहली बार था जब उसने एक साथ इतने सारे दुख दर्द और पीड़ा को अपने आंखों से देखा था, जिसके बाद वो निकल पड़ते सब कुछ छोड़ छाड़ के सवाल का जवाब ढूंढने कि जो ये सफरिंग है यानी कि ये दुख दर्द और पीड़ा से कैसे छुटकारा पाया जाए।
यानी कि वो निकल पड़ते हैं इस जर्नी ऑफ इनलाइटनमेंट के, जैसे मैं निकल पड़ा हूँ यार स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे, ऐसे ही हमारे सिद्धार्थ निकल पड़ते हैं नॉलेज की जर्नी पे, वो सवाल जिससे ये सारे दुख दर्द और पीड़ा खत्म हो सकते थे। अब वो अपने इस सवाल के जवाब के लिए 7 साल भटकते और आखिर में एक पीपल के पेड़ के नीचे आके वो जब मेडिटेट कर रहे होते, पूरे 7 दिनों बाद उन्हें उनका सवाल का जवाब मिलता है और तभी उन्होंने इस पीपल के पेड़ को नाम दे दिया बोधि ट्री, यानी कि ट्री ऑफ विजडम, जहाँ तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी ऐसा पेड़। और उसी बोधि ट्री के नीचे बैठ के वो लोगों को जो नॉलेज उन्हें मिला है वो लोगों को बांट रहे थे और तभी से हमारे सिद्धार्थ का नाम पड़ता है बुद्धा, जिसका सिंपली इंग्लिश में मतलब हो सकता है अवेकन या फिर इनलाइटनमेंट, जिसे तुम सिंपली कह सकते हो वो इंसान जिसके पास अब नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज। और कहते हैं यार सबसे महंगी चीज दुनिया में होता है ना वो है नॉलेज। तुमने गेम ऑफ थ्रोन में तो कहते हुए सुना होगा नॉलेज इज ए पावर। तो सालों अभी तक अगर तुम नहीं पढ़ के एग्जाम की पर्चियां बना रहे हो या फिर एग्जाम के लिए स्ट्रेस ले रहे हो तो सब छोड़ छाड़ के यार नॉलेज के पीछे भागो, थोड़ा पढ़ लो यार, क्या पता तुम्हारा भी एग्जाम अच्छा जाए। खैर ये जो नया नॉलेज गौतम बुद्ध को मिला था उन्होंने ये पहली बार बांटा बनारस के शहर गंगा किनारे, वही पहला लेक्चर कहलाने लगा द सर्मन ऑफ बनारस, जो कि तुम्हारा चैप्टर का नाम भी है राइट। अब जो भी उन्होंने उस दिन कहा था ना उन सारे चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा गया और उन्हीं में से एक छोटा सा स्टोरी आज हम पढ़ेंगे जो कि तुम्हें बताएगा सफरिंग के बारे में कि किस तरीके से तुम सफरिंग को ख़त्म कर सकते हो। बट रुको यार, इससे पहले एक बनारस के ऊपर शायरी मैंने नहीं लिखा है बट कहीं में मुझे मिला था इंटरनेट पे, तो तुम लोगों के लिए ये स्पेशली कि आना तुम कभी बनारस हम तुम्हें काशी विश्वनाथ घुमा देंगे, इन भुलभुलैये वाले गलियों से घुमा के तुम्हें हम बनारसी मीठा पान खिला देंगे, थक जाना जब चलते चलते तो हमें बताना, गंगा किनारे बैठा के तुम्हें 80 घाट का शाम दिखा देंगे, और अगर इश्क तब भी ना हो बनारस से तो बताना काट के वही फेंकवा देंगे। तो ये कहानी है एक माँ की जिसका नाम था किशा गौतमी, जिसके हाथों में उसका एक लौता बेटा जो कि मरा पड़ा था। वो इतने दुख और दर्द से जूझ रही थी कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा मर चुका है। वो औरत अपने बच्चे को ठीक करने के लिए अपने पड़ोसियों के घर घर में जाके दवाई मांग रही थी और उसके पड़ोसी भी लाइक अरे साला तुम लोग पागल है क्या। ऐसे ही वो भटकती रह गई दिन और आखिर में एक समझदार आदमी ने उसे कहा कि देखो मैं तुम्हारे बच्चे को ऐसा कोई दवाई नहीं दे पाऊंगा जिससे कि वो ठीक हो जाए, बट हाँ मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो तुम्हें वो दवाई दे सकता है। अब वो औरत किसा गौतमी ने हाथ जोड़ के उस इंसान से कहा कि बताइए वो इंसान कौन है, और उसने नाम लिया गौतम बुद्ध का। अब उसके बाद किशा गौतमी अपने बच्चे को लेके दौड़ते दौड़ते हमारे गौतम बुद्ध के पास आए और कहा कि गौतम बुद्ध मुझे वो दवाई दे दीजिए जिससे मैं अपने बेटे को ठीक कर दूँ, जिसके जवाब में गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है मैं दे तो दूंगा तुम्हें ये दवाई, बट इसके लिए तुम्हें मुझे मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड ला के देना पड़ेगा, यानी कि तुम समझो सरसों के बीज लेने को कहा था मुट्ठी भर, बट एक कंडीशन रखा कि तुम्हें वो सरसों के बीज एक ऐसे घर से लाना पड़ेगा जहाँ कोई बच्चा ना मरा हो, जहाँ किसी का पति ना मरा हो, जहाँ किसी का माँ बाप ना मरा हो, जहाँ किसी का दोस्त ना मरा हो। अब माँ तो माँ होती है ना भाई, वो तो चल पड़ी ऐसा घर ढूंढने जिसके घर में ना किसी का बेटा मरा हो, ना किसी का पति मरा हो, या फिर ना किसी का रिश्तेदार या फैमिली वाला मरा हो। वो गाँव में हर एक घर में जाके पूछती रही कि आपके पास सरसों के बीज है, लोगों ने मना नहीं किया, दिया सरसों के बीज, बट जब उसने पूछा कि क्या आपके घर में कोई मरा है, लाइक आपका कोई बच्चा, आपका कोई पति, या आपका बाप माँ, या कोई आपका रिश्तेदार दोस्त, तब सब ने कहा कि यहाँ जितने लोग जिंदा नहीं उससे ज़्यादा तो लोग मरे पड़े, तुम हमें ये बातें कहकर हमें दुखी ना करो। जिसके बाद आखिर में जब किशा गौतमी थक हार के पूरे गाँव घूम के उसे एक ही जवाब मिलता है कि गांव के सारे लोगों ने किसी न किसी को खोया था, किसी ने अपने माँ को खोया था, किसी ने अपने बाप को खोया था, किसी ने अपने बेटे को खोया था, तो किसी ने अपने रिश्तेदारों को खोया था। कुल मिला के बात यह था कि उस गांव के अंदर में उससे कोई एक ऐसा घर नहीं मिला जहाँ कोई ना मरा हो। रात के अंधेरे में बैठी थी तब उसने देखा जो शहर में लाइट चमक रहे थे, पहले तो वो टिमटिमा रहे थे और फिर वो पूरे रात के अंधेरे में बुझ गए। सो लाइक उससे उसने समझा हम इंसानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, हम पैदा होते हैं फिर इस लाइट की तरह ही टिमटिमाते हैं और आखिर में हम बुझ जाते हैं। तब उसे रियलाइजेशन होता है कि वो कितनी सेल्फिश हो गई थी अपने बेटे के बारे में सोच के, वो भूल चुकी थी कि यार डेथ जो ऐसा चीज़ है जो सबको आना है एक ना एक दिन। और आखिर में उसे रियलाइजेशन होता है कि किसी को खोने का दर्द तो होता है बट अगर उस दर्द से तुम्हें निकलना है तो तुम्हारे अंदर के जो सेल्फिशनेस है उसे छोड़ना पड़ेगा और तभी तुम अपने अंदर की शांति को पा सकते हो, यानी कि जो इनर पीस होता है उसे पा सकते हो।
और उसके बाद लाइक गौतम बुद्ध ने एक लेक्चर दिया कि जो हम मॉर्टल लोगों का जिंदगी होता है ना, मॉर्टल यानी तुम्हें पता है ना, जो इंसान पैदा हुआ है मरेगा उसी को कहते हैं मॉर्टल, और जो पैदा होकर नहीं मरता है उसे कहते हैं इमॉर्टल। तो हम सब तो मॉर्टल है ना, तो हमारा जो जिंदगी होता है ना वह दुख दर्द ये सब चीज़ें रहना ही रहना है, ठीक है। हम इन चीज़ों से भाग नहीं सकते और ना ही हम भाग सकते अपने डेथ से, ठीक है। एग्जाम्पल दिया गौतम बुद्ध ने कि हम वो पके हुए फल की तरह है जिसे एक ना एक दिन गिरना ही है। जो पैदा हुआ है उसका मरना तय है इस दुनिया में। ना कोई बाप अपने बेटे को बचा सकता है और ना कोई रिश्तेदार अपने लोगों को बचा सकता है। उन्होंने एक दूसरा एग्जाम्पल दिया लाइक ये मटका है जिसे बनाया तो गया है बट एक ना एक दिन ये टूटना ही है। एक समझदार इंसान को पता होता है कि डेथ एक ऐसा चीज़ है जो होना ही होना है, तुम उसे रोक नहीं सकते। और जो चीज़ को तुम रोक नहीं सकते तुम उसके बारे में रो के उसके बारे में दुखी हो के कुछ नहीं होगा, उससे बस तुम अपने आप को हर्ट कर रहे होगे। और एक समझदार इंसान हमेशा ही शांति की तलाश में रहता है, यानी कि पीस की तलाश में रहता है। और पीस तुम्हारे पास तभी आ पाएगा, यानी शांति तुम्हारे पास तभी आ पाएगा जब तुम इन तीन तीरों को अपने अंदर से निकाल दोगे। वो तीन तीर क्या क्या है? लेमेंटेशन, कंप्लेन एंड ग्रीव, यानी कि तुम समझो दुख दर्द और चाहतों को ख़त्म करना पड़ेगा तुम्हें, तभी तुम्हें शांति मिल पाएगा। तो भाई यही था बात, ठीक है। सिंपली बस जाते जाते मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि देखो वही करो जिंदगी में, ठीक है, जिससे तुम्हें सुकून मिलता है, शांति मिलता है। ये भी एक तरीका है अपने पैशन को ढूंढने का। सिंपली बात यह है कि चाहे तुम्हारा दिल टूटा हो, चाहे उस दुख का कारण तुम्हारा एक्स हो जिसने तुम्हारा गंदा तरीके से काट दिया, या कुछ और हो, भाई उन चीज़ों के पीछे भागो जो तुम्हें खुशियाँ देता है, ना उन चीज़ों के पीछे जो तुम्हें दुख देता हो। समझ रहे हो मेरी बात? और जब तुम उन चीज़ों के पीछे भागोगे जो तुम्हें खुशियाँ देता है, तो इनमें से कोई एक चीज़ होगा जो तुम्हारा पैशन बन जाएगा। लाइक देखो, मुझे स्टोरी टेलिंग करना बहुत पसंद है और मैं वो कर रहा हूँ। आई डोंट नो ये मेरा पैशन बनेगा कि नहीं बनेगा, बट जो भी हो मेरा ये मानना है देखो कि टैलेंट जैसा चीज़ ना नहीं होता है, ठीक है। हम जो चीज़ें करना चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो करते रहते हैं और वो खुद ब खुद हमारा आदत बन जाता है और ज़रूरत बन जाता है। सो थिंग्स लाइक दैट वर्क आई गेस फॉर मी। सो तुम्हारे लिए भी ऐसा काम कर सकता है। हो चुका है चैप्टर ख़त्म, बहुत अच्छी अच्छी बातें किया हमने। अब देखो इस चैप्टर के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का बात करते हैं जो कि तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर तुम इन वर्ड्स को नहीं जानोगे ना तो तुम क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी उसका आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा, राइट। सो पहला वर्ड लेते हैं सरमन, ये क्या है? सो जो लेक्चर दिया था ना गौतम बुद्ध ने, जो उसे नॉलेज मिला था नया नया सफरिंग के बारे में, उसे कह सकते हो सरमन। उसके बाद दूसरा वर्ड अम्स, जिसका मतलब तुम कह सकते हो दान दक्षिणा, डोनेशन, चैरिटी, इन सब चीज़ों को, ठीक है। जो कि इस स्टोरी में जो आखिरी जो चीज़ गौतम बुद्ध ने देखा था, एक मॉन्क दूसरों से मांग रहा था दान दक्षिणा, वही था। और तीसरा वर्ड इनलाइटनमेंट, जो कि क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज होना तुम्हें, ठीक है, जो कि गौतम बुद्ध को होता है जब वो पीपल ट्री के नीचे बैठ के मेडिटेट कर रहा होता है, पूरे 7 दिनों के बाद उसे मिलता है ना इनलाइटनमेंट, वही था। फिर जो वर्ड है वो है ग्रीफ, जिसका मतलब दुख दर्द। यार स्पेशली इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जब किसी के मरने पे जो दुख जताया जाता है ना उस पे। फिर अगला वर्ड वैली ऑफ डेसोलेशन, या तुम कह सकते हो एक ऐसा जगह जहाँ में बस दुखी दुख है, दुखी दुख है। जो कि इस स्टोरी में कहा जा रहा है कि ये जो संसार यानी कि दुनिया लाइफ, ये जो क्या है इसमें दुखी दुख है, ठीक है। अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो हमें अपना जो सेल्फिशनेस है उसे त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और हमें पीस की ओर भागना पड़ेगा, यानी कि हमें शांति को ढूंढना पड़ेगा। अबे वो ले नहीं यार, सच वाली शांति, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड मॉर्टल, यानी कि वो इंसान जो पैदा हुआ है और मरेगा मरेगा वो, ठीक है, उसे कहते हैं मॉर्टल, और जो नहीं मरता है उसे कहते हैं इमॉर्टल। यार कोई है जो अभी भी इमॉर्टल है तो मुझे बताओ यार। फिर आखिरी वर्ड लेमेंटेशन, एक्सप्रेशन ऑफ सोरो, ठीक है, वो दुख और दर्द का जो एक्सप्रेशन होता है। लाइक इस स्टोरी में किशा गौतमी के साथ हो रहा था उसके बेटे के मरने के कारण, उसके अंदर में जो दुख और दर्द का एक्सप्रेशन था उसी को कह सकते हो लेमेंटेशन। तो हेलो गाइस, मैं हूं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीबी, और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 1 रिलेटेड टू गॉड। अब देखो किसी भी कहानी को समझने से पहले समझो उस कहानी का हीरो कौन है। तो यार इस कहानी का हीरो है हमारा लैंचो, और भाई ये कैरेक्टर तो गजब ही है भाई, पूरा एकदम सस्ता नशा करके बैठा हुआ है। मतलब तुम समझो एक बंदा जो कि गॉड को लेटर लिख रहा है भाई। बेटे, अरे बेटे मौज कर दे, हां मौज कर दे, वाह बेटे वाह, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई।
भगवान जी को लेटर लिखोगे? कौन सा नशा करते हो भाई, थोड़ा फोन करके हमें भी बता दिया करो। खैर जोक सपाट, करते हैं शुरू कहानी को। तो चारों ही तरफ हरियाली ही हरियाली और पहाड़ों के ऊपर एक सुंदर सा और छोटा सा घर जो कि था हमारे लैंचो भाई का। और आसपास के क्या नजारे थे भाई, कहीं नदियां बह रही है, कहीं फूल खिल रहे हैं, कहीं मक्के की खेती हो रही है। मतलब भाई एक ऐसे जगह में बैठता था लैंचो जहाँ यार सुकून मिलता था बहुत। और भाई हमें ऐसा ही सुकून चाहिए अपनी जिंदगी में, सही में यार लाइफ में कुछ करके ना ऐसे जगह में सेटल होने अपने को जहाँ यार हरियाली ही हरियाली हो, अपना छोटा सा एक खेत हो जहाँ हम खेती करेंगे और अपना छोटा सा फैमिली के साथ रहेंगे जैसे हमारा लैंचो भाई रहता था। अब देखो हमारा लैंचो भाई का ना बहुत ही छोटा सा फैमिली था, एक पत्नी और दो बच्चे बस। जिंदगी यार बहुत सही कट रहा था हमारे लैंचो भाई का। बट एक मिनट रुको यार, वो लाइफ ही क्या जिसमें प्रॉब्लम्स ना हो। जीने का मजा तभी है जब तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स हो। तो यार अब आएगा हमारे लैंचो भाई के लाइफ में भी प्रॉब्लम, देखो कैसे। तो यार हमारा लैंचो भाई ना एक दिन बारिया से अपने मक्के की खेती को तार रहा था और सोच रहा था बस इस साल बारिश सही से हो जाए जिससे कि यार इस साल का फसल बढ़िया हो और यार उसके बाद तो पैसा ही पैसा होगा। बस इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था लैंचो भाई, इसी बीच उसके पत्नी ने कहा, अजी सुनते हो, खाना तैयार है, आके खा लो। और उसके बाद यार लैंचो और उसके बच्चे चले गए खाना खाने। अब अचानक से क्या होता है, बारिश शुरू हो जाता है और जैसे ही बच्चे बारिश का आवाज सुनते हैं घर से दौड़ के बाहर निकलते हैं और बारिश का मजा लेने लगते हैं। यार सही बताओ तो मुझे भी काफी बढ़िया लगता है बारिश में भीगना, बट उसके बाद जो बीमार पड़ता है वो अलग है भाई। मम्मी कूटती है मानता हूँ मैं, पता नहीं क्यों यार बारिश में भीगने के साथ साथ ही सर्दी लग जाती है मुझे। क्यों भाई क्यों, ऐसा क्यों होता है? भगवान जी थोड़ा इंजॉय करने दिया करो हमें। नहीं भाई मैं भी सोच रहा हूँ एक लेटर लिखी दूँ कोर्ट को कि भाई हमारा भी कोई फंडामेंटल राइट है कि नहीं है भाई, मतलब हम थोड़ा सा बारिश में भीज के ले और बीमारी पड़ जाते हैं। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब खैर कोई बात नहीं, हम लैंचो भाई की कहानी पे रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते। अब देखो प्रॉब्लम ये था कि सिर्फ बारिश नहीं हो रहा था बाहर, बारिश के साथ आ रहे थे बर्फ के टुकड़े। सिंपली तुम कह सकते हो ओले गिर रहे थे बाहर, और अंग्रेजी में यार फ्रोजन पर्ल्स यानी कि मोतियों की तरह गिरते हुए बर्फ के टुकड़े। बच्चे बहुत खुश थे बट एक बंदा था जो कि बहुत दुखी था इससे, बहुत दुखी भाई। कौन गैस करो, सही गैस किए, हमारा लैंचो भाई बहुत दुखी था बंदा। क्यों? क्योंकि यार जो उसने सपने देखे थे इस बार तो मक्के की खेती बहुत बढ़िया होने वाला है, सब यार खत्म हो चुका था। ओले गिरने के कारण पूरा खेती बर्बाद, इस हद तक बर्बाद कर दिया था ओलों ने कि बेचारा लैंचो सोच रहा था इससे तो अच्छा होता कि लोकस जो कि एक तरह का कीड़ा होता है वही आके खेत को बर्बाद कर देता, एटलीस्ट उससे कुछ तो बच जाता यार। अब पूरा फैमिली पूरा दुखी था, हेल्पलेस फील कर रहा था और डर था कि अब भूखे ना मरे बस हम। उनके लिए बस एक होप था कोई, तो वो था गॉड भगवान जी, कि यार भगवान जी कुछ कर सकते हैं। तो यार हमारे लैंचो भाई ने सोचा देखो सब तो बर्बाद हो ही चुका है, अब कोई हमें बचा सकता है तो है गॉड। तो यार उन्होंने एक लेटर लिखा गॉड को जिसमें उन्होंने कहा, देखिए भगवान जी कुछ ऐसा है, ओले गिरने के कारण मेरा खेती हो चुका है बर्बाद, अब यार मैं और मेरे फैमिली के लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं है, अब शायद हम भूखे ही मरेंगे, अब मुझे एक छोटा सा हेल्प कर दो। क्या करो, आप मुझे 100 पैसों दे दो। अब पैसों यार पैसा, ठीक है हमारे यहाँ पैसा कहते हैं, लैटिन अमेरिका में उसे पैसों कहते हैं, सही है पैसों। तो यार लैंचो भाई ने गॉड से मांगा 100 पैसों ताकि जो भी नुकसान हुआ है हमें फार्मिंग में उसे यार रिकवर कर ले और यार फैमिली को कुछ खिला पाए, यार भूखा ना मरे फैमिली। अभी ये सारी चीजें लिख के लैंचो गया पोस्ट ऑफिस और लेटर को कर दिया पोस्ट और आ गया घर। अब जब लेटर पहुंचा पोस्ट मास्टर के हाथ में तो पोस्ट मास्टर ने उसे खोल के देखा और जो रिएक्शन आया ना पहला पोस्ट मास्टर का, ये क्या बकचोदी है भाई, मतलब भगवान को लेटर लिख रहे हो, एड्रेस भी लिखा है लेटर टू गॉड, मतलब ऐसा कोई एड्रेस होता है क्या, घने बकचोद हो तुम तो भाई। बट यार पूरा लेटर पढ़ने के बाद ना पोस्टमास्टर का दिल भी पिघल गया यार, जब सुना यार खाने को कुछ नहीं है भूखा है, दुख लगा यार पोस्टमास्टर को, सही बताओ तो दुख लगा। तो अब पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया चलो यार इसका हेल्प करते हैं, देखो भगवान जैसा तो कुछ चीज होता नहीं है, होते तो बस हम ही होते, हम ही है भगवान, मानते हो कि नहीं मानते हो तुम लोग? नहीं। तो यार पोस्टमास्टर ने जितने भी अपने दोस्त लोग थे पोस्ट ऑफिस में उन्हें कहा यार तुम सब आके हेल्प करो, मैं भी थोड़ा हेल्प करता हूँ और यार इसे 100 पैसों मैनेज कर देते हैं ताकि यार ये भूखा ना मरे और अपने जो खेती बाड़ी है वो सही से कर पाए। तो सबने जितना सका दिया बट सैडली 100 पैसों तो नहीं हुआ,
बट 70 पैसों हो गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लेंचो आता है पोस्ट ऑफिस और पूछता है, क्या भगवान की तरफ से मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या? देख रहे हो भाई का मतलब एटीट्यूड, देख रहे हो तुम? मतलब एक तो तुम बकचोदी करके पहले भगवान को लेटर लिखते हो, अब तुम ये भी एक्सपेक्ट करते हो कि भगवान तुम्हें रिप्लाई देगा। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है, नहीं ये मतलब प्रभु आपका चरण छूना चाहता हूँ मैं, बस चरण छूना चाहता हूँ। अब भगवान हो, आप ही भगवान हो सही में। तो पोस्टमास्टर ने भी कहा जी आया है आपका लेटर, लीजिए। बंदे ने लेटर खोला और खोलने के साथ साथ ना वो बहुत गुस्सा हो गया यार। क्यों गुस्सा हो गया? उसने देखा कि यहाँ 100 पैसों नहीं है, 70 पैसों है। अब यार 30 पैसे का घपला किसने मार दिया? बहुत गुस्सा था वो, सही में बता रहा हूँ, बहुत गुस्सा था। तो उसने डिसाइड किया कि मुझे और एक लेटर लिखना है कि भगवान जी ने ऐसा कैसे किया, मतलब मैंने मांगा था 100 पैसों और ये आया है 70 पैसों, ऐसा कैसे? तो इस बार लेटर में लेंचो भाई ने लिखा, देखो भगवान जी मैंने मांगा था आपसे 100 पैसों, शायद आपसे कोई गलती हो गया होगा, आपने दिया है मुझे 70 पैसों, तो आप मुझे बाकी जितने भी पैसे है उसे भी दे दीजिए। और यार एक काम कीजिएगा, इस बार मुझे मेल के द्वारा मत भेजिए, क्योंकि यार मुझे लगता है ना ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं बहुत ही चूतिए हैं, ये मेरा पैसा खा जाएंगे, तो आप मुझे कोई और तरीके से भेजिएगा। आप समझे बेटा? हमारा लेंचो भाई तो निकला बेंचो, मतलब जिसे यार हम हीरो समझे थे वो तो यार बहुत ही एहसान फरामोश और लालची निकला। हमारे अच्छे वाले पोस्ट मास्टर ने मदद किया और यार उसे चूतिया बोल दिया, यार गलत था भाई, बहुत गलत। तो हेलो गाइस, मैं हूं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी, और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब देखो ये है तो ऑटोबायोग्राफी नेल्सन मंडेला का, बट यार यहाँ इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यार ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पूरे 700 पेजेस का ऑटोबायोग्राफी को एक चैप्टर के अंदर में घुसेर दे। बट तुम लोगों के लिए एक अच्छी बात ये है कि तुम्हारा भाई बीवी नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी परखे रखा हुआ है। तो यार इस चैप्टर को मैं तुम लोगों को ऐसे समझाऊंगा कि यार इस वीडियो को खत्म करने के बाद तुम लोग बस एक ही चीज कहोगे, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। एक मिनट बेबी, अब जब तुमने पढ़ाई हुआ है तो यार हमें भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताओ नेल्सन मंडेला के बारे में। नहीं देखो, तुम्हारा बात सुन के ना हम भी बहुत एक्साइटेड है, तो यार ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, थोड़ा हमें बताओ इसके बारे में। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग कह रहे हो तो तुम लोग की बात ही सही। तो क्या तुम लोगों को पता है नेल्सन मंडेला पूरी तरीके से इंस्पायर्ड थे हमारे महात्मा गांधी जी के आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस से, कि यार कुछ भी हो जाए वायलेंस नहीं होना है, लड़ाई झगड़ा नहीं होना है। बट एज अ इंडियन मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि नेल्सन मंडेला ज्यादा सक्सेसफुल थे हमारे महात्मा गांधी जी से। अब देखो क्यों, महात्मा गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज के लिए 3 बार नॉमिनेट किया गया, बट उन्हें 3 बार ही रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं पे नेल्सन मंडेला को पहली बार में नोबेल पीस प्राइज मिल जाता है, और साथ ही साथ इंडिया को इंडिपेंडेंट दिलाया गांधी जी ने, बट यार इंडिया का पार्टीशन हो चुका था रिलीजन के नाम पे, जिसके वजह से लाखों लोगों का खून बहा। वहीं पे तुम साउथ अफ्रीका को देखो, जहाँ रहते थे ब्लैक और वाइट लोग, वाइट बिल्कुल ही अलग थे यूरोपियंस लोग, और यार ब्लैक तो ऑब्वियस सा बात है साउथ अफ्रीकन लोग थे। देखो कितना डिफरेंस था उनके बीच, फिर भी यार एक खून का कतरा तक नहीं बहा, और आज तक वो मिलजुल के शांति से रहते हैं। और ये सब हो पाया क्यों? नेल्सन मंडेला के वजह से। और इसीलिए नेल्सन मंडेला बने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साथ ही साथ उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द नेशन इन साउथ अफ्रीका, जैसे हमारे महात्मा गांधी को कहा जाता है इंडिया में। और जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी नेल्सन मंडेला के बारे में, कि यार वो बंदा 27 ईयर्स जेल में बिताता है एक ऐसे सिस्टम से लड़ने के लिए जहाँ यार ब्लैक्स के खिलाफ भयंकर डिस्क्रिमिनेशन होता था। मतलब तुम मान के चलो ब्लैक्स का जिंदगी कुत्ते से भी बदतर था, जिस सिस्टम को कहा जाता है अपार्थाइड सिस्टम। अरे यार रुक जाओ यार, बहुत हो गया, अब लग रहा है मैंने ज्यादा ज्ञान बांट दिया तुम लोगों को, सर के ऊपर से गया होगा मुझे पता है, बट क्या करूं यार आदत से मजबूर हूं, एक बार अगर शुरू होता हूं ना खत्म होने का नाम ही नहीं लेता हूं। को मालूम है क्या करूं मैं इसका, मार भी तो नहीं सकता। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले तुम लोगों के लिए एक सवाल, थोड़ा मुझे बताना तो ये नोबेल प्राइज होता क्या है, मुझे यार बहुत सख्त जरूरत है इस इन्फॉर्मेशन का, कमेंट पे जाके जल्दी से बताओ। देखो थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को बताया कि साउथ अफ्रीका का पहला प्रेसिडेंट था नेल्सन मंडेला, तो हमें सबसे पहले समझना है नेल्सन मंडेला का इनॉग्रेशन सेरेमनी कैसा था। अब जिन्हें यार इनॉग्रेशन सेरेमनी क्या है समझ नहीं आ रहा, तुम लोग समझो यार
जैसे यार दूल्हे लोग होते हैं जहाँ सज धज के यार मौज, समझ ही रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। वैसे हमारा प्रेसिडेंट साहब का भी अब दूल्हे जैसा कुछ हाल होने वाला है, तो यार वो कैसा होने वाला है उसे देखेंगे। और उसके बाद इसी इनॉग्रेशन सेरेमनी में उन्होंने एक बहुत ही फेमस स्पीच दिया था, उसे हम ऐसे डिकोड करेंगे जैसे यार हमारा फूफा तो आइंस्टीन है, समझ ही रहे हो मेरे बात। तो यार करते हैं इस चैप्टर का शुभ मंगल। तो दिन था 10th May 1994, हमारे प्रेसिडेंट साहब का इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाला था साउथ अफ्रीका की यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में। अब यार ये ऐसा ही है जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन और लाल किला है, जहाँ यार रिपब्लिक डे परेड देखते हो तुम सब, और भी बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट इवेंट होता है वही होता है। वैसे ही यार साउथ अफ्रीका के अंदर में ये यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया के अंदर में हो रहा था प्रेसिडेंट साहब का इनॉग्रेशन सेरेमनी, जहाँ यार वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे सब मौजूद थे। और ये पहली बार था पूरे साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में कि एक डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रहा था। हमारे प्रेसिडेंट पूरे सूट बूट में तैयार थे अपने बेटी जिनानी के साथ कि यार अब तो कसमें उसमें खाली नहीं, यार देश के लिए मर मिटेंगे हम, समझ रहे हो बात, जिसे यार स्वेरिंग सेरेमनी कहते हैं, मतलब यार हिंदी में बोलो तो शपथ ग्रहण समारोह। अरे भाई कितना डिफिकल्ट वर्ड था भाई, हमारे तो मुंह से नहीं निकला। बट यार रुक जाओ यार, यहाँ हमारे प्रेसिडेंट साहब लाइन में लगे हुए थे कस्मे उसमें खाने के लिए भी, देख रहे हो भाई, मतलब कस्मे खाने के लिए भी लाइन लगनी पड़ रही है तुम्हें। तो सबसे पहले गए मिस्टर डिक लॉक, और उसके बाद गए थाबा बेकी, और आखिर में हमारे प्रेसिडेंट साहब का टर्न आ गया। और यार वो मन ही मन सोच रहे थे कि यार तुमने तो मुझे लाइन ही खड़ा करा दिया यार, खड़ा होते होते तो घुटना दर्द दे रहा है, थोड़ा तो उम्र का ही लिहाज कर लेते मेरा। और उसके बाद जो उन्होंने फेमस सा स्पीच दिया ना भाई, मैं क्या ही बताओ। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ जहाँ उनका पूरा स्पीच रिकॉर्डेड है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो जाके सुन लेना। और साथ ही साथ यहाँ मैंने स्क्रीन पे भी दे दिया है, हो सके तो पढ़ लेना इसे। हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इस स्पीच को डिकोड करेंगे, मतलब इस स्पीच के अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई है उसे समझेंगे। तो चलो यार देख लेते हैं उन्होंने क्या बताया। तो यार सबसे पहले तो उन्होंने जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे जो कि वहाँ मौजूद थे उन्हें थैंक्स कहा कि आप आए हमारे फंक्शन पे, हमें बहुत अच्छा लगा, जाते वक्त खाना वाना खा के जाइएगा और यार दक्षिणा वक्षिणा दे के जाइएगा। जोक सपाट यार, ऐसा नहीं कहा था उन्होंने, बस आए थे थैंक्स कहा था, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बात किया जो आज़ादी मिला है साउथ अफ्रीकन लोगों को एक ऐसे सिस्टम से जिसके अंदर में कई सालों से काले लोग पिसते आ रहे थे। बहुत अगर सिंपल भाषा में बोलूँ मैं, उन्होंने कहा कि हमने यार अपार्टेड सिस्टम को ख़त्म कर दिया है, अब यार पूरे साउथ अफ्रीका के अंदर में इक्वालिटी आ चुका है, अब हर एक साउथ अफ्रीकन अपने मन के हिसाब से वो जी सकता है, चाहे वो कोई भी रंग का हो, काला हो, गोरा हो, नीला हो, पीला हो, मतलब समझ रहे हो ना बात, आज़ाद। और तीसरा चीज़, उन्होंने एक कसम लिया, प्लेज लिया कि यार मैं साउथ अफ्रीका के अंदर से पॉवर्टी माने गरीबी और कोई भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन होते आया है हमारे लोगों के खिलाफ उसे खत्म कर दूंगा यार। तो यही तीन बातें थी। Nice. और जैसे ही स्पीच खत्म होता है पूरे आसमान के ऊपर रंगों का यार जादू सा चल रहा होता है, जितने भी जेट्स हेलीकॉप्टर प्लेन थे वो यार उड़ के एक तरह का रेस्पेक्ट शो कर रहे थे हमारे प्रेसिडेंट साहब को। और साथ ही साथ जितने भी बड़े बड़े मिलिट्री जनरल्स थे उन्होंने भी खड़े होके हमारे प्रेसिडेंट साहब को रेस्पेक्ट दिया और अपना लॉयलिटी दिखाया कि यार हम आपके साथ हैं, ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हम उसके साथ हैं। और इन सब के बीच नेल्सन मंडेला बस एक चीज सोच रहा था, आज से कुछ दिन पहले यही मिलिट्री के लोग यार मेरे पीछे लगे हुए थे, क्यों? क्योंकि यार मैं एक ऐसे सिस्टम से लड़ रहा था जो कि टोटली मेरे अगेंस्ट था, बट यार एट फाइनल सब कुछ सही था, आज मैं देश का प्रेसिडेंट हूँ, अब साउथ अफ्रीका में सारे लोग इक्वल है, ब्लैक हो या वाइट हो सब बराबर है। और यही चीज उन्होंने दिखाया जहाँ यार दो नेशनल एंथम बज रहे थे, एक था ब्लैक के लिए एक था वाइट के लिए, जो कि सिंबलाइज कर रहा था कि देखो हमारे साउथ अफ्रीका में इक्वालिटी कितना है, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब ब्लैक का डोमिनेंस है तो यार वाइट को तो दबा के रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, देखो। और फिर यार नेल्सन मंडेला मनी मन सोचने लगे कि यार जो 20th सेंचुरी का
फर्स्ट डिकेड था, मतलब जो 1900 से लेकर 1910 का समय था। व्हाइट और ब्लैक्स के बीच एक लड़ाई हुआ जहां यार व्हाइट लोग जीते और ये अपार्थेट सिस्टम को पूरे साउथ अफ्रीका में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और उसके बाद ब्लैक्स के खिलाफ जो इनइक्वालिटी हुआ उसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ तुम लोगों को। और आज 20 सेंचुरी का फाइनल डिकेड जहां यार मैंने ये जो अपार्थेट सिस्टम था इसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और साउथ अफ्रीका के अंदर में इक्वालिटी लाया। और मनी मन वो बहुत खुश हो रहे थे इस चीज़ से, समझ रहे आप। और यार साथ ही साथ वो याद कर रहे थे उन फ्रीडम फाइटर्स को जो यार अपना जान दे चुके थे इस लड़ाई के लिए, इस इक्वालिटी के लिए। जैसे यार देखो हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके लिए भी कई लोग थे, जैसे कि यार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें यार हम हमेशा अपने दिलों में रखते हैं। उसी तरीके से नेल्सन मंडेला उन्हें याद कर रहा था यार। और अब देखो उनका जो इतना बड़ा एक जर्नी था एज ए फ्रीडम फाइटर, उसमें यार उन्होंने कई चीज़ें देखा और उससे कुछ सीखा, जैसे कि यार क्या मतलब होता है करेज का, क्या मतलब होता है लव का, एक इंसान का क्या क्या ड्यूटीज है अपने लाइफ में, और यार सबसे इम्पोर्टेंट फ्रीडम का क्या मतलब होता है, और आखिर में ये ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड क्या चीज़ है। अब हमें यही देखना है, ठीक है। देखो ये चैप्टर इस मोटिव से मत पढ़ो कि एग्जाम में देना है, ये चैप्टर तुम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया है यार कि यार लाइफ में सिर्फ बकचोदी नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन ले लो, जिंदगी में कुछ कर लो, समझ रहे हो बात। और ये चैप्टर तुम लोगों को वही मोटिवेशन देने के लिए बनाया। देखो सबसे पहले समझो करेज का क्या मतलब होता है, सिंपली हिंदी में बोलो तो बहादुरी, ठीक है। अब देखो बहादुरी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि यार तुम लोग डरते ही नहीं कोई चीज से, एज ए इंसान हमारे अंदर में डर है, सिंपल सा बात है, सच बात है ये। बट यार करेज उसके अंदर में होता है जो यार अपने डर से जीतता है, समझ रहे हो। जैसे यार मेरी भी बोट फटी थी जब मैं नए नए यूट्यूब पे आया था, बोल भी नहीं पा रहा था ठीक से, बट यार आज मुझे देखो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, लिटरली देख रहे हो, चल बोजड़ी के, समझ गए करेज का मतलब यही था, ठीक है। फिर उन्होंने डिस्क्राइब किया लव और इंसानियत क्या चीज़ है। अब देखो नेल्सन मंडेला का सिंपल सा कहना था इंसान के अंदर में जो लव यानी कि प्यार जो होता है वो ज़्यादा होता है हेट से, सिंपल सा बात है। क्यों? क्योंकि यार जब हम पैदा होते हैं ना इस धरती पे तब हम बस प्यार ही करना सीखते हैं, समझ रहे हो बात। ये हेट नफरत ये तो हम सिचुएशन हमें ऐसा कर देता है, हम लोगों से सीखते हैं, बट यार जो प्यार होता है वो हमारे अंदर में नेचुरली है। और उनका मानना था कोई भी इंसान कितना भी बुरा हो उसके अंदर में कहीं ना कहीं यार अच्छाइयाँ होती है। इसलिए यार उन्होंने एक बहुत ही अच्छा चीज़ कहा कि मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर बीन एक्सटिंग्यूश, मतलब इंसान का जो अच्छाई है वो एक रोशनी की तरह होता है जिसे यार तुम कुछ देर के लिए छुपा तो सकते हो बट कभी मिटा नहीं सकते। बात समझ रहे हो भाई, कितना मोटिवेशन वाला बात कहा यार। इसे नोट कर लेना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तुम लोग भी यार अपने लाइफ में उसे इस्तेमाल किया करना। और उसके बाद उन्होंने बताया कि हर एक इंसान का ना दो ड्यूटीज होता है, दो जिम्मेदारियां होती है। एक होती है अपना पर्सनल जिम्मेदारी यार, अपने माँ बाप को देख लो, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली, ठीक है, ये तुम्हारे पर्सनल जिम्मेदारियां हैं। और साथ ही साथ तुम्हें अपने कंट्री के लिए कुछ करना है, तुम्हें अपने सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तुम्हें अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, समझ रहे हो बात, ये तुम्हारी दूसरी जिम्मेदारी। और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया फ्रीडम का क्या मतलब होता है, ये नहीं कि जो आज के समय पे इंडिया पे होते आ रहा है यार कि यार हमको चाहिए आज़ादी, हमको चाहिए आज़ादी। भाई तुम्हें किस चीज़ से आज़ादी चाहिए मुझे बताओ, किससे आज़ादी चाहिए, मतलब तुम तो बड़े बकचोद बन रहे हो एकदम। अब मैं बताता हूँ तुम्हें असली फ्रीडम का क्या मतलब होता है। देखो ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ये पर्सनल एक्सपीरियंस था नेल्सन मंडेला का जो कि उन्होंने बताया। देखो जब वो जन्म हुए थे ना तब उन्हें यार आज़ादी वजादी से कोई मतलब था नहीं, क्योंकि यार जन्म होने के बाद तो आदमी खुद आज़ादी होता है, मतलब उसे क्या करना होता है, हगना होता है, मूतना होता है, खाना होता है, बस यार इतना ही तो करना होता है। बट जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ उसे समझ में आया अगर मुझे आज़ादी चाहिए तो मुझे अपने पापा का और अपने जो ट्राइबल ट्रेडिशंस है उनका रेस्पेक्ट करना पड़ेगा तभी मुझे मिलेगा आज़ादी। फिर जब वो एक स्टूडेंट बने तब यार उनके लिए फ्रीडम का मतलब इतना ही था कि मुझे जो पहनना है, जो करना है, जो मेरे दिल में आया वो मैं करूँ, बस यही मेरे लिए फ्रीडम। और जब वो जवान हुआ तब उसके लिए फ्रीडम का मतलब फिर चेंज हो गया। अब क्या था, अब उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था अपने लिए और अपने फैमिली के लिए। बट एक मिनट रुको, ये सब चीज़ें उन्हें एक धोखा लगने लगा, इल्यूजन लगने लगा जब उसे पता चला कि यार असली फ्रीडम ये नहीं है जो मैं सोचते आ रहा हूँ, असली फ्रीडम तो वो होगा जो मेरे साथ और मेरे भाइयों और बहनों के साथ नहीं हो पा रहा है,
कि यार ये जो इनइक्वालिटी है इससे लड़ना है। और जब उन्हें ये समझ आया तो उन्होंने सबसे पहला काम जो किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और उसके बाद उन्होंने अपना जो जर्नी है एज ए फ्रीडम फाइटर उसे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब तुम लोगों को लग रहा होगा यार कहानी खत्म, ठीक है, बट रुक जाओ यार, एक चीज और है, ऑपरेसर क्या है और ऑपरेस्ट क्या है समझ लो इसे। अब देखो, ऑपरेसर वो आदमी है जो यार किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि ऑपरेसर कौन है, वाइट लोग, और ऑपरेस्ट कौन है, ब्लैक लोग, यार उनके ऊपर अत्याचार होते आया है तो वो ऑपरेस्ट थे। अब उनके हिसाब से ये ऑपरेसर और ऑपरेस दोनों ही यार फ्रीडम से कोसों ही दूर है। उनके हिसाब से जो ऑपरेसर है वो यार एक तरह के पिंजरे में कैद है नफरत का, यार उसे यार बस कुछ दिखता है तो बस नफरत ही दिखता है। तुम बस सोच के देखो, वाइट लोग यार झूठ मूठ का बस रंग की वजह से ब्लैक लोगों को हेट करते थे, कोई पर्सनल रीजन नहीं था, लिटरली बस इसलिए हेट करो कि वो ब्लैक है। उन्होंने कहा कि ऑपरेस लोग और ऑपरेसर इंसानियत से कोसों दूर है, हमें ज़रूरत है इन्हें आज़ाद करने का। ठीक है, ऑपरेसर को भी ऑपरेस्ट को भी, ना कोई नफरत करे ना कोई किसी के अंदर में डबके रहे, बात सिंपल है, लाइफ है जियो, दैट्स इट। तो की हालचाल भाई और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बड़े उत्तोगे, स्वागत है तुम लोगों का क्लास 10 इंग्लिश ग्लिम्स ऑफ इंडिया के इस चैप्टर पे। और तुम लोगों को तो पता ही हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद है रादर देन हार्ड वर्क। तो आओ करते इस चैप्टर को डिकोड ऐसे जैसे हम लियोनार्डो द विंची के पर पोते। वैसे तो तुमने इंडिया के कल्चर और इसके डाइवर्सिटी का कई सारे किस्से कहानियां सुने होंगे, मतलब भाई साहब इंडिया जैसा कंट्री तुम वर्ल्ड के अंदर बस ढूंढ के दिखा दो मुझे, हाथ में कटोरा लेके ढूंढोगे ना भाई साहब फिर भी नहीं मिलेगा। हर एक स्टेट का अपना ही यूनिकनेस है, यहाँ तुम कोई भी स्टेट चले जाओ कोई भी भाई, वहाँ तुम्हें लगेगा ये तो कोई नया इंडिया है, इतना डाइवर्सिटी है यहाँ। तो यही जो इंडिया का कल्चर और उसका डाइवर्सिटी है इसे बहुत प्यारे तरीके से इस चैप्टर के अंदर दिखाया गया है। हम यहाँ बात करेंगे तीन स्टेट्स के बारे में, गोवा, कर्नाटका और आसाम के बारे में, इन तीनों का अपना ही यूनिकनेस है भाई साहब। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मेरा बस तुम लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर तुम इसमें कोई चीज़ रिलेट ना कर पाओ तो यार बुरा मत मानना, क्योंकि ये इन स्टेट्स का अपना यूनिकनेस है जो कि तुम अपने तरीके से रिलेट नहीं कर पाओगे, बट कोई नहीं यार, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया। तो लेट्स स्टार्ट, पहला स्टोरी ये ए बेकर फ्रॉम गोवा जिसका ऑथर है लूसियो रॉड्रिज। तो यही पे मैंने तुम्हारा एक मार्क कर दिया सिक्योर, नाम इसका याद रख लेना। अब देखो, इंडिया के दूसरे स्टेट्स के मुकाबले गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ अंग्रेजों का कोई इन्फ्लुएंस तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ यार पोर्चुगीज लोग रूल कर रहे थे। तो तुम देखोगे यहाँ गोवा का जितना भी कल्चर है वो पोर्चुगीज कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और पोर्चुगीज कल्चर में ब्रेड का भाई अलग ही क्रेज़ है। सिर्फ पोर्चुगीज बोल के नहीं है, तुम जितने भी यूरोपियन कंट्रीज देखोगे वहाँ में ना ब्रेड का अलग ही क्रेज़ होता है, जैसे हमारे यहाँ रोटी और भात का होता है ना, वैसा ही कुछ। अब जब ब्रेड का इतना क्रेज़ है तो ब्रेड जो बनाते हैं ना बेकर्स, उनका तो भाई अलग ही रेस्पेक्ट है इनके कल्चर पे। और हमारे गोवा के लोग इन बेकर्स को प्यार से कहते हैं पैडर। इस कहानी के अंदर में जो हमारा राइटर का चाइल्डहुड मेमोरीज है, इधर यार जो ब्रेड बनाने वाले बेकर्स होते हैं ना उनके बारे में डिटेल में बताया गया है। अब जैसे उस समय में बेकर्स क्या करते थे, अपना ब्रेड्स को घर घर में जाके बेचते थे, और वो बेसिकली दो तरीके का ब्रेड बनाते थे, एक होता था लोब्स ऑफ ब्रेड और दूसरा था ब्रेड बैंगल्स। अब ये जो ब्रेड बैंगल्स था ना ये काफ़ी मीठा होता था जिन्हें यार बच्चे पसंद करते थे, ऑब्वियस सा बात है मीठा यार बच्चों को बहुत पसंद है, बट देखो ये चीज़ ना बड़ों को पसंद नहीं होता, तो बड़े क्या खाते थे, लोब्स खाते थे। पता नहीं यार ये ना पान गुटखा बीड़ी खा के मतलब अपना तो टेस्ट बिगाड़ ही चुके हमसे यार नाराज़ रहते कि भाई मीठा मत खाओ मीठा मत खाओ, इन्हें क्या पता यार मिठास में अलग ही कुछ नशा होता है, ये गुटखा बीड़ी खाने वाले लोग नहीं समझ पाएंगे, खैर रहने दो। अब देखो राइटर ने ब्रेड का इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए कुछ बातें कहा। अब जैसे उनके लिए यार ब्रेड के बिना तो पार्टी का कोई मज़ा ही नहीं होता था, बिल्कुल ऐसे ही शादी का जो गिफ्ट होता है वहाँ यार अगर ना मिले बोल ब्रेड्स तो यार उस शादी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। देखो इस चीज़ को ना हम बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट होता है यार उनके लिए होता है, समझ रहे हो बात, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कुछ चीज़ें हैं जो हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बट होता है, ऐसा ही होता है। फिर देखो अगर किसी घर में लड़की का या रिश्ता पक्का हो जाए ना तो वहाँ तो सैंडविच बनना ही बनना है, एक तरीके से रिचुअल है ये, ठीक है, जैसे यार हमारे यहाँ समोसा और जलेबी बनता है ना, बिल्कुल ऐसे ही समझो।
इसके अलावा यार कोई फेस्टिवल हो जैसे कि क्रिसमस, तो यार वहाँ केक और बोलीनास बनना ही बनना है। अब इन सब के अलावा हमारा जो राइटर है ना, वो देखता है कि जो बेकर्स होता है ना, वो एक खास तरीके का कपड़ा पहनता है जिसे हम कहते हैं कबाई, जो कि देखने में कुछ ऐसा होता है। देख लो यार, जैसा भी होता है ये यार पोर्चुगीज कल्चर में काफ़ी फेमस है। बट देखो, जो राइटर के बचपन के समय पे था वहाँ कबाई नहीं पहना जाता था, वहाँ में शर्ट और ट्राउजर्स टाइप का कुछ पहना जाता था, और कहा जाता था कि जो भी इस तरीके का कपड़ा पहनता है उसे ही हम बेकर मान के चलेंगे। कोई रास्ता में अगर दिख गया तो मैं इस तरीके का कपड़ा पहनते हुए आज भी, तो उसे कहा जाता था शायद ये बेकर ही होता होगा। इसके अलावा हमारे राइटर ने ये भी देखा कि वो जो समय था ना, वो एक ऐसा समय था जिस समय ये बेकर बनने का जो प्रोफेशन था ये काफ़ी प्रॉफिटेबल था। जैसे आज के समय पे यार क्या होता है, हर कोई माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा बन जाए इंजीनियर। भाई साहब, IIT JEE मेंस कुछ भी क्लियर कर लो, बस इंजीनियर बन जाओ, समझ रहे हो बात। तो उस समय ना ये बेकर बनना जो है एक प्रोफेशन काफ़ी अच्छा माना जाता था। क्यों? देखो, क्योंकि यार बेकर के फैमिली ना हमेशा ही रहते थे हेल्दी और खुशहाल, समझ रहे हो बात। और जो ये बेकर्स होते थे ना, वो देखने में भी बहुत ही प्यारे गोलू मोलू से होते थे, हेल्दी से, ठीक है, बिल्कुल यार हमारे कटहल की तरह होता था, एकदम फूला हुआ, तोंद निकला हुआ। भाई साहब, जो हमारे पनवारी वाले अंकल होते हैं ना, भाई साहब इतना बड़ा तोंद, बिल्कुल ऐसे ही। इसके अलावा एक आखिरी चीज़, तुम अगर कोई भी उधारी उधारी लेते हो ना हमारे बेकर अंकल से, तो यार ये क्या करेंगे, अपना जो वाल होगा वहाँ पे तुम्हारा रिकॉर्ड रखेगा कि मेरा उधारी इतना इतना है भाई, और जब महीना का आखिरी समय होगा तब जाके वो तुमसे उधारी मांग लेगा। मतलब ठीक है, आइडिया मस्त है, बट मुझे एक लॉजिक समझ में नहीं आया भाई, वाल में क्यों लिखना है? मतलब याद दिलाने के लिए ना हमें, अच्छा देखो भाई तू मेरा उधारी खा के बैठा हुआ है, तुझे आखिरी महीने आके देना है पैसा, देख ले तेरा नाम इधर है, जब तक नहीं देगा ना तब तक तेरा बेइज्जती करता रहूँगा। मतलब अगर किसी ने लिया होगा ना, वो चाहेगा कि भाई जल्द से जल्द दे ही दूँ। बट यार देखो, ये जो मैंने बताया ना, ये मेरी तरफ से था, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं स्टोरी में। स्टोरी में बस इतना ही है कि भाई साहब हमारे जो बेकर अंकल थे वो उधारी को वाल पे लिख के रखते थे और आखिरी महीना जाके कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो यार यहीं पे ख़त्म होता है हमारा पहला स्टोरी, ए बेकर फ्रॉम गोवा। तो यार ग्लिम्स ऑफ इंडिया के अंदर में बेकर फ्रॉम गोवा के बाद जो दूसरा स्टोरी है, स्टोरी ऑफ ए कुर्ग, इसके बारे में देखते हैं। अब इस स्टोरी का राइटर है लोकेश एबरोल, नाम बहुत ही अजीब है बट इनका काम बहुत अच्छा अच्छा है। मैं बस इनके बारे में पढ़ रहा था इंटरनेट पे, यार एक डॉक्टर है, एक ट्रैवलर है, और यार इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काफ़ी कुछ किया है, और सोसाइटी के लिए भी इन्होंने काफ़ी कुछ किया है एज ए सोशल वर्कर। तो अगर तुम लोग थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो इनके बारे में जानने के लिए, तो लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जाके आर्टिकल को पढ़ सकते हो तुम भी। अब यार जो ऑथर है ना, वो एक ट्रैवलर है, और जिसका तुम आवाज़ सुन पा रहे हो वो भी एक ट्रैवलर ही है काफ़ी हद तक। वो अलग बात है कि हमने काफ़ी लिमिटेड एरियाज में ट्रैवलिंग किया है, पता है कि वो पेंडेमिक के कारण घर से नहीं निकल पा रहे, तो क्या ही कर सकते हैं। फिर भी यार इस स्टोरी को एज ए ट्रैवलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। तो हमारे ऑथर के हिसाब से कुर्ग इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है कि तुम ऐसे समझो कि ये तो हेवन का ही एक छोटा सा टुकड़ा है, ये इंसानों के लिए नहीं है, इसे तुम स्वर्ग कह सकते हो, जन्नत भाई साहब, किंगडम ऑफ द गॉड। मतलब तुम्हारे आसपास चारों ओर हरियाली हरियाली, भाई क्या बताए। बेटा जज्बात और बोनर जितना दबाओगे उतना बाहर आएंगे। तो यार कुर्ग सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, जिसका यार एग्जैक्ट लोकेशन बोलूँ तो मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। और हमारा कुर्ग यार जाना जाता है तीन चीज़ों के लिए, घना जंगल, स्पाइसेस और कॉफ़ी प्लांटेशन। इसके अलावा इस जगह का दूसरा नाम भी है कोडागू, और यहाँ के लोगों को कहते हैं कोडागूस, बस एस लगा देना। देखो कुर्ग कितना ब्यूटीफुल है, इसे मैं तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ, बट जितना मैंने यूट्यूब पे कई सारे ब्लॉग्स देखे हैं और किताब में भी पढ़ा है, इसके हिसाब से बता सकता हूँ कि कुर्ग बहुत ही सुंदर जगह है। अगर तुम इस जगह में घूमना चाहते हो तो सेप्टेम्बर से लेकर मार्च बेस्ट रहेगा घूमने के लिए। बाकी यार देखो, बाकी समय पर क्या होता है, काफ़ी बारिश होता है यहाँ, तो वो समय ठीक नहीं रहता है। सेप्टेम्बर से लेकर मार्च बेस्ट रहता है यहाँ घूमने को। और यार अगर मैं बात करूँ यहाँ के लोगों का, तो यहाँ के लोग जाने जाते हैं दो चीज़ के लिए, हॉस्पिटैलिटी एंड ब्रेवरी। हॉस्पिटैलिटी की तो क्या ही बात करूँ, यहाँ के लोग बहुत ही वेलकमिंग हैं, तुम अगर घूमने आए यहाँ तुम्हारा दिल खोल के स्वागत किया जाएगा यहाँ। और जो बात रहा ब्रेवरी का, इसको लेके दो किस्से यहाँ बहुत फेमस है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बहादुर है। अब ऐसा क्यों? देखो यार दो तरीके का रूमर है, मैं यार तुम्हें ये नहीं बता रहा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, बट जो रूमर है वो जान लो। पहला कहा जाता है कि यहाँ के लोग ना ग्रीक डिसेंट से बिलोंग करते हैं, यानी कि देखो अलेक्जेंडर का आर्मी जब इंडिया पे आया था ना, तो आर्मी का कुछ हिस्सा साउथ की ओर आया था और हमारे कुर्ग में आके बस गया। बसने का कोई भी रीज़न हो सकता है,
शायद वो भटक गए हो या कुछ भी हुआ हो, बट वो लोग यहीं पर रह गए और यहाँ के लोकल लोगों के साथ ही शादी करके बस गए। इसके वजह से कहा जाता है कि यहाँ के लोग काफ़ी ब्रेव है। उसके अलावा जो दूसरा रूमर है कि यार यहाँ के लोग ना अरब डिसेंट से बिलोंग करते हैं। क्यों? इनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस है ना, एक लंबा काला कोट, कमर पे एक बेल्ट, वो काफ़ी हद तक सिमिलर है अरबिक लोगों के ड्रेसेस से। यहाँ में ये लोग कहते हैं इसे कुफिया, और अरबिक लोग इसी ड्रेस को बिल्कुल इसी तरीके का देखने में उसे कहते हैं कुफिया। बस एफ का फ़र्क है और पी का फ़र्क है, ये लोग कुफिया कहते हैं और लोग कुफिया कहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ये लोग ना काफ़ी हद तक अरब लोगों जैसे ही है। बट इससे तुम ये मत समझ लेना कि आगे लोग दिखने में भी अरबिक लोगों जैसे, नहीं, बस कपड़ा पहनने का स्टाइल उनके जैसा है। इसके अलावा यार कुर्गी लोग इंडिया के अंदर में एकलौते लोग हैं जो बंदूक रख सकते हैं अपने पास बिना किसी लाइसेंस के। हम और तुम नहीं रख सकते, हमें अगर रखना हो तो हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा इसके लिए, बट कुर्गीज को लाइसेंस नहीं चाहिए भाई, इसलिए पंगा मत लेना गलती से उनके साथ, कहीं ठोक ना दे तुम्हें। इसके अलावा देखो यार, यहाँ में मिल रहा है तुम्हें एक UPSC लेवल वाला चीज़। इंडिया का जो पहला आर्मी चीफ है ना, वो भी एक कुर्गी था, जनरल करियप्पा, ठीक है? देख रहे हो तुम यहाँ पे, ये इंडिया का पहला आर्मी चीफ है जो कि एक कुर्गी है, काफ़ी बहादुर है। तो ये तो था कुर्गी लोगों के बारे में जितना भी जानकारी हमें मिला। बट रुको यार, हम यहाँ में उनके बारे में सिर्फ जानने नहीं आए, हम कुर्ग का नेचुरल ब्यूटी को जानने आए हैं। तो देखो, कुर्ग चारों ओर माउंटेन से घिरा हुआ है। एक लोता रिवर जो यहाँ बहता है वो है कावेरी, जो कि बिल्कुल फॉरेस्ट के बीचों बीच से गुजरता है। कहा जाता है कि 30% जो कुर्ग का एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। जब इतना बड़ा जंगल है तो कई तरह के जानवर भी रहते होंगे यहाँ। तो देखो, यहाँ पाया जाता है एक बहुत ही रेयर तरह का मछली, महासीर। इसके अलावा तुम्हें यहाँ मिलेगा किंगफिशर, स्क्वायरल, लंगूर्स, एलिफेंट। एलिफेंट तो भाई बहुत ज़्यादा है यार। और जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया है कि ये जगह ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही मस्त है, तो अगर हो तुम एक ट्रैवलर तो यार तुम्हारे लिए यहाँ में करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड ट्रैकिंग, और जो मेरा फेवरेट है, फोटोग्राफी। जब इतना ब्यूटीफुल जगह होगा तो हम फोटोग्राफी तो कर ही सकते हैं। अच्छा तुम लोग मुझे बताओ, अब ये जो मैंने चार चीज़ें बताया, रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग या फिर ट्रैकिंग, इसमें से तुमने क्या चीज़ किया है? सही में बताओ तो मैंने ना इसमें से बस ट्रैकिंग किया है, बाहर में चढ़ा है बहुत ज़्यादा मैंने। इसके अलावा तुम कह सकते हो मैंने थोड़ा बहुत रिवर राफ्टिंग भी किया है, बट बहुत ही कम भाई, इतना बड़ा कोई रिवर पे मैंने नहीं किया है। यहाँ में मेरे लोकल एरियाज में बहुत ही छोटा सा रिवर है, तो मैं गया था बस एक बार ऐसे ही, इतना भी खास मज़ा नहीं आया, बट कभी समय मिला तो कुर्ग भी चलेंगे। मतलब यार देखो, सुन के इतना मज़ा लग रहा है, तो अगर मिल जाए ना मौका कभी दिन तो भाई साहब धमाल मचा देंगे। और अगर बात रहा फोटोग्राफी का, अगर तुम्हें शौक है फोटोग्राफी करने का तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए यार। यहाँ में एक बहुत ही सुंदर हिल है ब्रह्मगिरी हिल के नाम से, तो तुम्हें इतना बढ़िया व्यू देखने मिलेगा ना भाई साहब, मतलब दिल खुश भाई साहब, जन्नत यही है। मेरे को जाना पड़ेगा मेरे। और अगर तुम्हें जो रस्सी वाले रिवर होता है, जो झुलंगा ऐसे ऐसे झूलते रहते होते हैं, डर तो लगता है बहुत जाने में, ऑब्वियस सा बात है, तो अगर ऐसा तुम्हें फीलिंग लेना है तो इसके लिए भी है कार्यक्रम। यहाँ एक आइलैंड है कुर्ग के आसपास, निसागंधामा, नाम बहुत अजीब है, मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा, जो कि कुर्ग के बहुत ही पास है। अगर तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है ना तो एक रस्सी का ब्रिज है, उसे पार करके जाना पड़ेगा, और जब तुम वहाँ से जाओगे तो भाई साहब इतना हिलेगा ना तुम्हारा तो फट ही जाएगा भाई। समझ रहे हो आप। देखो इसके अलावा आखिरी चीज़, कुर्ग के अंदर में एक जगह है बाइलाकुप्पी। यहाँ में कहा जाता है कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्ग का सेटलमेंट है, यानी कि तिब्बतियंस लोगों का। देखो होता क्या है कि चाइना जब तिब्बत पर अटैक करता है तो वहाँ के लोग भाग भाग के इंडिया में आ गए थे, तो ज़्यादातर लोग यार कुर्ग पे आके बस गए थे ये बाइलाकुप्पी जगह में। तो तुम्हें यार यहाँ मॉन्ग्स और मोनेस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, तुम घूम सकते हो यहाँ अभी। अच्छा तुम लोग में से कितनों ने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आज तक देखा है या गए हुआ, या तुम्हारे आसपास कहीं हो, कैसा रहा तुम्हारा फीलिंग वहाँ जाके बताना मुझे कमेंट्स में। तो इसी से ये स्टोरी होता है ख़त्म। हमने इस स्टोरी से ये समझा कि कुर्ग और वहाँ के लोग कितने औसम हैं, और हमने देखा कि कुर्ग को कहता है कुडागु और यहाँ के लोगों को कहता है कुडागोस, और जो इकलौता रिवर यहाँ बहता है वो है कावेरी, और कई तरह के जानवरों को देखा जैसे कि महासीर, किंगफिशर, स्क्वारल, लंगूर, एलिफेंट, एक इम्पॉर्टेंट हिल है ब्रह्मगिरी,
और हमने ये भी देखा कि ये जगह ट्रैवलर्स लोग के लिए जन्नत से कम नहीं है। यहाँ तुम्हें हर एक चीज़ मिलेगा, डिफरेंट वाइल्ड लाइफ, माउंटेन्स, आइलैंड, रिवर, क्या कुछ नहीं है। एक नेचुरल ब्यूटी का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो की हाल चाल भाई और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बड़े होते होगे। स्वागत है तुम लोगों का क्लास 10 इंग्लिश ग्लिम्स ऑफ इंडिया के आखिरी पार्ट टी फ्रॉम असम पे। और यार तुम लोगों को तो पता ही हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा पसंद है रादर दैन हार्ड वर्क। तो आओ करते इस चैप्टर को डिकोड एज ए जैसे हम लियोनार्डो दा विंची के पर्प होते। हाँ, तो जैसे कि तुम लोगों को पता ही है, कहानी को स्टार्ट करने से पहले राइटर का नाम जानना जरूरी है। तो इस कहानी का राइटर है अरूप कुमार दत्ता और ये बेसिकली है असम से। और एक बात, मैं भी असम से ही हूँ। हाँ, काफ़ी लोग पूछ रहे थे मैं कहाँ से हूँ। जी हाँ, मैं असम से हूँ, बट इस समय मैं असम पे नहीं हूँ। तो इस स्टोरी में भी ना हम थोड़ा बहुत असम का झलक को देखेंगे और ज़्यादातर हमारा फोकस रहेगा टी प्लांटेशन की और टी का हिस्ट्री और कैसे असम के अंदर में टी प्लांटेशन होता है। अब देखो कुछ ऐसा है, चाहे मैं तुम्हें समझाऊँ या कोई महाज्ञानी पंडित, बात कुछ ऐसा है कि दिमाग के अंदर में इतना चुतियापा फैला हुआ है कि यार कुछ भी पढ़ लो आधे एक घंटे बाद तो भाई साहब याद ही नहीं रहता। तो कहानी का कोई मतलब नहीं रह जाता, बट हाँ अगर तुम कैरेक्टर्स को समझते हो तो शायद तुम्हें याद रह जाए स्टोरी थ्रू कैरेक्टर्स। तो इस कहानी के अंदर भी तीन कैरेक्टर्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम और उसको पर्सनैलिटी जान लो तुम्हें पूरा चैप्टर आई गेस याद हो ही जाएगा। तो जो पहला कैरेक्टर है वो है प्रांजोल। अब ये बंदा ना बिल्कुल मेरी तरह असम में पैदा हुआ है, बट वो बाहर पढ़ रहा है दिल्ली पे। मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं नहीं बताऊँगा तुम्हें। हाँ, बट प्रांजोल का जान लो, प्रांजोल असम का था बट वो दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ाई कर रहा है अभी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर है वो है प्रांजोल का दोस्त राजवीर। ऑब्वियस बात है वो कहाँ रहता होगा, वो दिल्ली पे रहता है जहाँ प्रांजोल पढ़ने के लिए बैठा हुआ है। हाँ, और आखिरी कैरेक्टर है मिस्टर बरुआ। मिस्टर बरुआ कौन है, तो ये प्रांजोल का पिताजी है। और मिस्टर बरुआ करते क्या है, तो मिस्टर बरुआ ना असम के अंदर में ढेकियावारी टी स्टेट के मैनेजर है। और तुम पूछोगे ये ढेकियावारी है किधर, तो ये अपर असम पे है। देखो असम भी ना ज्योग्राफिकली टूटा हुआ है अलग अलग हिस्सों में, तो ये जो स्टोरी है ये है अपर असम का। और सरप्राइजिंगली मैं भी ना अपर असम से ही हूँ, जो ये स्टोरी है इसी के आसपास के एरिया से ही हूँ मैं। तो आई होप कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से ये स्टोरी समझा पाऊँ, अगर कोई भी गलती हो जाए तो सॉरी यार। बोला करते हैं शुरुआत एकदम अखोमिया स्टाइल में, सॉरी ये। हाँ, तो कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। साई गरम साई दस टका गरम साई लोबो ने की बैडो दादा बिलाक। अरे कहना क्या चाहते हो। हाँ, तो ट्रेन स्टेशन में तो ऐसा ही होता है, चाय वाले आ जाते हैं बिंदास गरम गरम चाय लेके हमारे पास। साई गरम साई गरम साई दस टका। कहानी का शुरुआत भी कुछ इस तरीके से होता है, चाय लेके आता है और प्रांजल को जब दिखता है चाय तो वो दो कप चाय ऑर्डर करता है अपने लिए और अपने दोस्त के लिए। सुबह का माहौल था तो चाय का लुत्फ़ उठाया जा रहा था यहाँ पे। हाँ, अब देखो यार ये जो राजवीर है ना इसका कैरेक्टर पता है कैसा है। देखो हमारे क्लास पे एक लौंडा ऐसा होता है एकदम जिसे टॉपर किस्म का बकचोदी चरा हुआ है, मतलब भाई साहब उसे हर चीज़ पता है। यहाँ हमारा सिलेबस कहाँ ही चल रहा है और उसका भाई साहब 2-3 बार रिविजन हो चुका है, समझ रहे हो बात। टीचर कुछ भी पूछ दे भाई साहब उससे 2 कदम आगे चल रहा है और हमें तो भाई समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब ये पढ़ा क्या रहे और हम पढ़ क्या रहे। उसका कुछ अलग ही नशा चल रहा होता है और हमारा कुछ अलग ही चल रहा होता है। तो हमारा राजवीर भी ना बिल्कुल एकदम टॉपर किस्म का बच्चा है, उसे हर चीज़ पता होता है भाई। तो नॉर्मली एक बंदे को चाय देखते हुए क्या याद आता है, हाँ चाय की चुस्कियाँ लेंगे और आसपास के नज़ारों को देखते हुए इंजॉय करेंगे और क्या। बट हमारे राजवीर को भाई साहब पता है तुम्हें टॉपर वाला कीड़ा काटा हुआ है, तो उसे चाय देखते हुए याद आता है। दुनिया भर में ना 80 करोड़ कप्स ऑफ टी हर रोज लोग पीते हैं,
भाई साहब क्या बात है। तो आपको ये याद आता है कि हर रोज लोग कितना चाय पीते हैं और आपने गिना भी ये चीज, कौन करता है भाई। यहाँ हमें ये याद नहीं रहता कि हम दिन में हगदे कितने बार हैं और पानी कितने बार पीते हैं। क्या बात है, नहीं क्या बात है, ये बात है। हाँ तो इस बात के साथ ही साथ कहानी भी आगे बढ़ता है और हमारा ट्रेन भी चल पड़ता है। अब तुम सोचोगे ट्रेन क्यों चल पड़ता है, क्योंकि यार मैंने बताया नहीं तुम्हें, बट हाँ राजवीर और प्रांजोल चल रहे थे असम दिल्ली से घूमने के लिए। वैकेशन चल रहा होगा ऑब्वियस बात है, तो सोचा यार गांव घूम के आ जाए। तो प्रांजोल तो अपने गांव ही जा रहा था तो उतना एक्साइटेड था नहीं, बट क्योंकि राजवीर था दिल्ली से सिटी बॉय, हाँ तो सिटी बॉय हमेशा गांव जाते हुए बहुत ही एक्साइटेड रहता है, तो वो भी एक्साइटेड था। गांव का कल्चर, गांव के चीज़ों को देखने में उसे काफ़ी इंटरेस्ट था, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहता था। तो प्रांजोल तो यार नॉर्मली एक डिटेक्टिव बुक लेके पढ़ने बैठ गया, बट हमारा राजवीर क्योंकि बहुत एक्साइटेड है तो उसने क्या किया, बिंदास डिटेक्टिव बुक को नहीं पढ़ते हुए, उसे भी पसंद था जबकि, बट उसने उसे छोड़ते हुए खिड़की के सामने जाके जो आसपास के नेचर का ब्यूटी है उसको इंजॉय करना शुरू किया। अब जब वो ट्रेन के बाहर झांक रहा था ना तो उसने कई सारी चीज़ें देखा। अब उनका तुम लिस्ट बना लो भाई साहब, बहुत काम का है, यहाँ मैं दे रहा हूँ ठीक है। सबसे पहला क्या देखा उसने, हाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली। जब भी तुम नॉर्थ ईस्ट पे आओगे तुम्हें ये चीज़ देखने मिलेगा ही मिलेगा, काफ़ी जंगल काफ़ी हरियालियाँ है यहाँ, जो कि कभी अच्छी बात है आई गेस। हाँ उसके बाद पैडी फील्ड यानी कि धान के खेत, हाँ उसके बाद टी प्लांटेशन ऑब्वियस बात है ये तो दिखना ही है, जिसे देखते हुए ऑब्वियस बात है राजवीर तो काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि तुम्हें पता है टी प्लांटेशन तो दिल्ली पे दिखते दिखते रहा तो उसके लिए काफ़ी नया था ये चीज़। और घने घने जंगल दिख रहे थे, लंबे लंबे ट्रीज, और एक खास चीज़ राजवीर को दिख रहा था, ये जो टी गार्डन है ना यहाँ में एक डॉल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे यार बुक पे क्या मेंशन किया हुआ पता है, टी प्लकर्स। अब तुम सोचोगे ये टी प्लकर्स क्या है, देखो उसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि चाय कैसे बनता है, बहुत आसान है। चाय बनता है एक प्लांट के पत्ते से, वो प्लांट क्या है, टी प्लांट है ऑब्वियस बात है, उसके पत्ते से बनता है चाय। तो उस पत्ते को जो कलेक्ट करते हैं ना उसी को कहते हैं टी प्लकर्स। तो टी प्लकर्स ना अपने हेड पे गोल गोल सा कुछ पहनते हैं, और ये जो हमारे असम में ना ये चीज़ काफ़ी कॉमन है, तो इसीलिए उसे लग रहा था ये डॉल लाइक स्ट्रक्चर क्या है, कुछ नहीं है टी प्लकर्स है यानी कि जो चाय के पत्तियाँ कलेक्ट करते हैं ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसे दिख रहे थे, अब इससे वो काफ़ी एक्साइटेड था। अब जब राजवीर का ये एक्साइटमेंट प्रांजोल ने देखा तो उसने कहा, देख भाई ऐसा है पूरी दुनिया के अंदर में सबसे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन होता है असम में। अब यही भी एक सवाल तुम यूपीएससी वालों के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, देखो यार तुम्हें अगर पूछ देना इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा टी कौन से स्टेट में प्रोड्यूस होता है तो सीधा बताओगे असम। और ये जो दुनिया के अंदर में बताया गया ना ये चीज़, देखो अगर तुम्हें पूछे कि कंट्री कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस करता है तो वो चाइना है, बट एक पर्टिकुलर रीजन देख के बताओ तब वो असम है, समझ रहे हो। दुनिया के अंदर में सबसे ज़्यादा रीजन वाइज टी का प्रोडक्शन असम में होता है, बट अगर तुम कंट्री वाइज देखो ना तो इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, पहला नंबर पे आता है चाइना, बट रीजन वाइज असम पूरे वर्ल्ड के अंदर में सबसे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन करता है, तो आई गेस काफ़ी अच्छा चीज़ है ये। बट ये चीज़ जब राजवीर ने सुना ना तो भाई साहब उसके अंदर का टॉपर वाला कीड़ा जग गया, और भाई साहब उसका मन में ये चल रहा था, हाँ अबे इसको मुझसे ज़्यादा कैसा पता बे, रुक सारे तेरी हेकरी निकालता अभी मैं, रुक जा क्या तुझे पता है प्रांजोल टी का डिस्कवरी किसने किया था, बात तुझे नहीं पता होगा तू तो क्या ही बता देगा, सुन यार मैं बताता हूँ तुझे। दो कहानियाँ हैं टी को किसने डिस्कवर किया था उसको लेके, पहला है कि टी जो है चाइना पे डिस्कवर हुआ था, और दूसरा है टी जो है इंडिया में डिस्कवर हुआ था। पहले यार चाइना वाला स्टोरी देखते हैं, तो चाइना में एक चाइनीज एम्परर था जो कि हमेशा ही पानी को उबाल के पीता था,
तो एक दिन क्या होता है, कुछ पत्ता उसके उबलते हुए पानी पे गिर जाता है। अब जब वो पीता है उस पानी को तो भाई साहब उसका टेस्ट ही चेंज। और जब उसने पिया ये तो भाई साहब क्या ही कहना है, वो पानी पानी नहीं अमृत लग रहा था। उसने देखा कि ये तो कुछ पत्तों का कमाल है। तो ये क्या पत्ते है, तो ये है चाय के पत्ते। ठीक है, तो ये कहानी है चाइना वाला। फिर इंडिया वाला कहानी देखो। इंडिया में ना एक बंदा रहा करता था बोधि धर्मा के नाम से। पहले ये प्रिंस हुआ करता था, बट बाद में ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाता है। और थोड़ा सा मैं बोधि धर्मा के बारे में तुम्हें बताना चाहूँगा, किताब में तो मेंशन नहीं है बट हाँ जनरल नॉलेज के लिए तुम्हारे काम आ सकता है। बोधि धर्मा ना यार इंडिया से ट्रैवल करता है चाइना पे, और जो इंडिया का जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है इसे चाइना में लेके जाके प्रमोट करता है। और इसी का अपडेटेड वर्जन, तुम कह सकते हो मॉडिफिकेशन वर्जन, कंग फू आज तुम देख सक रहे हो। तो तुम टेक्निकली कह सकते हो कि जो चाइनीज कंग फू है काफ़ी हद तक इंडियन मार्शल आर्ट से ही लिया गया है। ये कितना सच है कितना झूठ है इस बात पे मैं नहीं जा रहा। एक मूवी देखा था मैंने और कहीं इंटरनेट पे पढ़ा भी था, उसके हिसाब से तुम्हें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, डिबेट मत करना मेरे साथ, आई डोंट नो हाउ करेक्ट इट वॉज। ठीक है, तो ये तो था बोधि धर्मा के बारे में। बट जो कहानी है टी को लेके वो कुछ ऐसा है, हमारा बोधि धर्मा बुद्धिस्ट मॉन्क था, बट जब वो मेडिटेशन करने बैठता था तब उसे नींद बहुत आता था। तो उसने सॉल्यूशन के तौर पे क्या सोचा पता है, चलो यार आग के जो ये आई लीव्स है ना इसे ही काट देता हूँ। अरे बीबी ऐसा कौन करता है, मतलब नींद आ रहा है तो आग की पुतलियाँ काट दोगे तुम, कोई सेंस था इस बात में? चलो बीबी वह आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब क्या कहूँ यार क्या कहूँ, काट दिया उसने, बाय गॉड कैसे काटा होगा। हाँ, तो जब उसने काट दिया ना तो काटने के बाद उसके वो आई लीप से 10 टी प्लांट ग्रो हुआ। कैसे ग्रो हुआ, आग से पौधे कब से निकलने लगे भाई? भाई साहब लॉजिक मत देखना, कहानी है कहानी की तरह लो, लॉजिक गए कहीं। हाँ तुम समझ गए समझ गए। तो उसका जो पत्ता है ना, जो 10 पौधे वहाँ उगे थे वही है टी के पत्ते, चाय के पत्ते, जो कि क्या करता है नींद भगा देता है। दैट्स इट। तो ये है इंडिया वाला कहानी, और चाइनीज वाला तो तुमने सुना ही है। बट देखो कौन सा कहानी कितना सच है मैं उस पर बिल्कुल नहीं जा रहा, तो राजवीर भी नहीं जा रहा। बट राजवीर ने ये कहा कि देख यार ये तो दो कहानियाँ थे, बट कहूँ तो पहली बार चाय कहाँ ड्रिंक किया गया था यानी कि पिया गया था, तो वो जगह है चाइना, डेट यार 2700 BC। मतलब ये वो वाला बीसी नहीं है बे, ये बिफोर कॉमन एरा वाला है। मतलब पता नहीं तुम लोगों के दिमाग पे क्या ही चल रहा होता है। बट यार देखो चाइना में तो सबसे पहले हुआ चाय पीने का रिवाज, कह लो रीति रिवाज जो भी है, ये यूरोप के अंदर में ना 16th century में फैलता है। ऑब्वियस बात है कब फैला होगा, जब अंग्रेज चाइना पे आए थे तो उन्हें गुलाम बनाया तो उनका चाय लेके गए यूरोप पे। बट एक चीज़ है, यहाँ चाइना में चाय को पिया जाता था एज ए नींद भगाने के लिए, बट यूरोप में इस चाय को एज ए मेडिसिन इस्तेमाल किया। और तुम देखते भी होगे आज भी जब भी हमें कोई सर्दी लग जाता है, जुकाम सर्दी समझ रहे हो, तो चाय अदरक वाला जो होता है ना क्या ही पी लो एक बार, सर्दी जुकाम तो यार भग ही जाएंगे आई गेस। कभी तुमने ट्राई किया है कि नहीं किया ये चीज़? हाँ क्या ही होगा, कमेंट बॉक्स है तुम लोगों के लिए बताओ यार। अब भी ये सारे ज्ञान की बात है जब राजवीर बता ही रहा था, तो इसी बीच पहुंच जाता है जहाँ दोनों को जाना था स्टेशन। वहाँ से उन्हें जाना था कहा ढेकियाबारी टी स्टेट पे। वहाँ क्यों जाना था, क्योंकि वहाँ पे राजवीर का पप्पा मैनेजर था उस टी गार्डन का, समझ गए। स्टेशन पे ही राजवीर का पप्पा मिस्टर बरुआ उन्हें पिकअप करते और चल पड़ते ढेकियाबारी टी स्टेट की ओर। तो जब स्टेशन से ढेकियाबारी टी स्टेट चल रहा था तो इस बीच ना कई सारे चीज़ फिर से राजवीर ने देखा, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता इसके ऊपर, ठीक है, कि जब राजवीर यार स्टेशन से ढेकियाबारी टी स्टेट जा रहा था तो उसने क्या क्या चीज़ें देखा। तो देखो पहला चीज़,
असम में हमारे क्या है, रास्ते जो है ना, तुम जैसे जैसे गांव की ओर जाओगे तो वहाँ में तुम्हें ग्रेवल रोड यानी कि कच्चा रोड देखने मिलेगा। तो जैसे ही डेकिया वाली टी स्टेट की ओर जा रहा था, जो कि गांव पे ही था ऑब्वियस सा बात है, तो वहाँ ग्रेवल रोड मिलता है, कच्चे रोड, चारों ओर एकर्स ऑफ टी बुशेस। देखो यहाँ में टी बुशेस इसका मतलब क्या है, बुश यानी झाड़ियाँ। देखो ये जो टी का प्लांट दिख रहा है ये कैसे ग्रो करके बैठा हुआ है, एकदम झाड़ियों की तरह। तो इसीलिए इसे एकर्स ऑफ टी बुशेस कहा, यानी कि एकदम चारों ओर तुम्हें टी के प्लांट दिख जाएगा फैले हुए। और इन सारे टी के लीव्स को कलेक्ट कर रहा है टी प्लकर्स, मैंने बताया टी प्लकर्स क्या होता है, और वो कलेक्ट करके एक बैम्बू बास्केट जिसे तुम कह सकते हो टोकरी, वहाँ पे कलेक्ट करके रख रहा है। और वो पहने हुए है एक प्लास्टिक का कुछ कपड़ा, जो कि ऑब्वियस सा बात है उन्हें पहनना पड़ता है जब भी वो कलेक्ट करने चलते हैं। और आखिरी चीज़, ये टी प्लकर्स क्या कर रहे हैं, ये चाय के पत्तियाँ जो नया नया है ना, एकदम न्यू लीव्स, उन्हें तोड़ रहे हैं। तो एक चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चाय के साथ कुछ ऐसा है ना, तुम जितना जो एकदम नए नए पत्ते होते हैं ना उसे तोड़ोगे उसका स्वाद ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि तुम समय पे चाय के पत्तों को तोड़ दो, अगर वो ज़्यादा मतलब ग्रो कर गया ना, उम्र हो गया उसका, तो उसका टेस्ट नहीं रहता उतना, और अगर ज़्यादा कच्चा रहता है फिर भी टेस्ट नहीं रहता है। तो एक सही समय होता है जिसे तुम कह सकते हो, मैं क्या कहूँ, चार महीने पे एक बार आता है। अब ये चीज़ मैं तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा, बट उससे पहले ये राजवीर ने क्या कहा है मिस्टर बरुआ को वो सुन लो। तो राजवीर ने बरुआ जी को कहा कि मिस्टर बरुआ दिस इज़ द सेकेंड फ्लैश और स्प्राउटिंग पीरियड। इसका मतलब क्या, देखो सेकेंड फ्लैश यानी कि देखो क्या होता है, हार्वेस्टिंग समझो तुम, जैसे हम राइस का हार्वेस्टिंग करते हैं उसी तरीके से ये जो टी लीव्स का हार्वेस्टिंग होता है। और देखो टी लीव्स के साथ सीन कुछ ऐसा है, मैंने बताया तुम्हें, जितना नया और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इसे कलेक्ट कर लो। तो यहाँ में क्या होता है, साल में चार महीने बाद ही यहाँ पे हार्वेस्टिंग होता है। मान लो पहले चार महीने हुआ, फिर चार महीने बाद फिर हार्वेस्टिंग होता है, फिर चार महीने बाद फिर हार्वेस्टिंग होता है, ऐसे करते करते पूरा साल भर चलता है। तो देखो यहाँ में क्या कहा गया, सेकेंड फ्लैश यानी कि जो दूसरे बार जो हार्वेस्टिंग होता है ना चार महीने बाद, ठीक है, वो जो क्या है बेस्ट टाइम है। उस समय जो तुम पत्तों को निकालते हो ना, वो पत्तों का स्वाद भाई सब क्या ही कहने। तुमने यार ताजमहल चाय का ऐड तो देखा ही होगा, मतलब ऐड ही इतना मतलब औसम होता है, तो पीने में क्या ही मज़ा होता होगा। अब मैं ना क्या सोच रहा हूँ, अब मैं भी एक बार ट्राई करूँगा, अमीरों वाला शौक है। हाँ काफ़ी एक्सपेंसिव है, इंडिया से ज़्यादा तो वो बाहर बिकता है क्योंकि इतना स्वाद है, बट एक्सपेंसिव भी है। बट हाँ एक बार मुझे भी ट्राई करना है, तो शायद मैं इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद ऑर्डर खरीदूँ। तो ये इतना स्वादिष्ट क्यों होता है, क्योंकि इसे सही समय पे हार्वेस्ट यानी कि निकाला जाता है। और वो सही समय क्या है, सेकेंड फ्लैश का। ये कब से कब तक चलता है, ये चलता है मई से लेके जुलाई तक। जो भी पत्ते मई से लेके जुलाई यानी कि सेकेंड फ्लैश में तोड़ा जाता है, वो पत्तों का स्वाद भाई साहब गजब रहता है। तो जब ये चीज़ राजवीर ने मिस्टर बरुआ से कहा, तो मिस्टर बरुआ थोड़ा सरप्राइज थे कि इतने डिटेल पे इस बच्चे को पता है। तो उसने कहा, भाई साहब तुम तो लगता है होमवर्क करके आए हो अपना, मतलब तुम्हें अच्छा खासा नॉलेज है इसके बारे में। तो फिर राजवीर ने भी हम्बली कहा, हाँ थोड़ा बहुत मैंने होमवर्क तो किया है, बट हाँ आपसे भी कई सारी चीज़ें और सीखना है मुझे।